Hello everyone. So today we are here to discuss about the Society of Actuaries, that is SOA. As you know ki almost every country has its own actual society, jo aapki major countries hain, be it India, Australia, right, South Africa ho gaya aapka, even Pakistan, theek hai, each and everyone has its own actual society. But jo European societies hain aapki, they are heavily influenced by the IFOA, right? तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी आप देखेंगे या आप साउथ अफ्रीकन सोसाइटी आप देखेंगे तो वहां पर क्या आईएफओए जो कि यूके बेस्ड सोसाइटी है उनका बहुत हैवी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा. इवन जब सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ तो साउथ अफ्रीका के बहुत सारे पेपर जो थे वो यूके ही कंडक्ट आपका किया करता था एंड वहां पे आपके एग्जाम जो है बेसिकली उनके सोसाइटी के बिहाफ में कहीं ना कहीं पे सेंड किया करता था. नाउ यूएस बीइंग वन ऑफ द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट, वी नो कि उसकी जो सोसाइटी है दैट इज नोन एज सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज. तो कहीं ना कहीं जो एसओए का एक्सपोजर है वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है बट इंडिया में फॉर नंबर ऑफ रीजंस लिमिटेड रहा. वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि जो इंडिया की जो सोसाइटी है दैट इज आईएआई, उसका जो पूरा करिकुलम डिजाइन था वो पूरा का पूरा यूके बेस्ड हुआ करता था और यूके की इंडिया के अपने खुद की बुक्स नहीं थी, अपना खुद का स्ट्रक्चर नहीं था, तो यूके का एज इट इज रेप्लीकेट हुआ करता था जो आज भी ट्रू है. तो दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्जेम्पशन था, अग्रीमेंट था, इसलिए हमेशा यहाँ पर जब भी इंडिया में प्रमोट किया गया एक्चुअल एजुकेशन या तो वो आपका आईएआई था दैट वॉज इंडिया और इधर आईएफओए. Still, there were many people who were pursuing their exams from SOA as well. ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई SOA से एग्जाम नहीं दे रहा था. आज से 5 साल पहले भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो SOA के एग्जाम देते थे और आज भी देते हैं, right? So we will talk about one of the biggest society of the world, that is SOA, which is based in USA. तो आज जो हमें डिस्कस करना है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन की सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. देन अगर हमें SOA में एंट्री करनी है और SOA से अपनी एजुकेशन को परस्यू करनी है तो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. असेसमेंट जो एसओए में वो किस किस तरीके से होते हैं, कैसे एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से उनकी चेकिंग होती है, एक्सेट्रा. देन अगर हमें एसोसिएट बनना है या फेलो बनना है तो क्या रूट है जो हमें फॉलो करना पड़ता है. देन देर आर सर्टेन मिथ्स अबाउट एसओए जो इंडिया में हमेशा घूमते रहते हैं और तो हम उनको डिकोड करेंगे एंड देन वील ऑल्सो नो द फैक्ट जो एक्चुअली ट्रू है. एंड देन द मेजर कंपेरिजन इज कि आईएफओए जो आजकल जो आज यूके में जो सोसाइटी है जो इंडिया में स्टैंड कर रही है उसमें और एसओए में बेसिकली इस टाइम पे कौन एज होल्ड करता है, राइट. आफ्टर दैट वी टेक क्वेश्चंस एज वेल बिकॉज दैट विल बी द मेजर पार्ट ऑफ दिस सेशन कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं जो क्वेरीज हैं उनको हमें बेसिकली ज्यादा एड्रेस करना है, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट द सोसाइटी तो कहने की जरूरत नहीं, अगर यूएस की सोसाइटी है आपकी तो इट इज वन ऑफ द वाइडली रिकॉग्नाइज एज द एक्चुअल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप देखोगे तो आई थिंक एसओए हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स और वी कैन से एसओए हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. सबसे ज्यादा मेंबर्स आपको एसओए में देखने को मिलेंगे एंड ये बहुत पुरानी सोसाइटीज है आपकी. आई थिंक 1800 के आसपास कहीं ना कहीं पर आपको इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और मेजोरिटी ऑफ फेलो जो है आपके जो मेजर चंक है पूरे वर्ल्ड में फेलोज का वो आपको एसओए का दिखाई देगा. तो यूल एनी वेयर यूल सी मोर एफएसएस जो कि आपका टाइटल है इफ यू बिकम फेलो फ्रॉम एसओए देन मोर एफआईएएस और एफआईआई जो कि आप आईएफओए या आईएआई के आप फेलो बनने के बाद आप बनते हैं, राइट. एंड ये कहने की जरूरत नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमेशा क्या है एसओए हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन टू होल्ड और हमेशा क्या है इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड. आप किसी भी कंट्री में आप जाएंगे एंड इफ यू हैव एग्जाम्स फ्रॉम एसओए यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड और आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको हमेशा क्या वैल्यू मिलती है. नाउ मोर इंपॉर्टेंट इफ वी डिस्कस अबाउट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स, राइट. तो यहां पर क्या एसओए बहुत अच्छा एक चीज होल्ड करता है दैट इज यूके में आपको पता है कि यूके हैज इट ओन मेंबरशिप क्राइटेरिया. जो पहला एग्जाम है वो आप अपेयर कर सकते हैं इधर CS1 और CM1 एज अ नॉन मेंबर. उसके बाद जो फर्दर एग्जाम से आपको अपेयर करने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है. अगर आपको इंडिया से एग्जाम देना है देन यू नो कि इंडिया हैज इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम दैट इज ACET एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. तो जब आप वो क्लियर करते हो ओनली देन यू आर एबल टू गिव एग्जाम्स फ्रॉम IAI. बट यूएस में इन दोनों चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेंबरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है. तो सबसे पहली चीज जो एक मेजर कॉस्ट हुआ करती है यूके में आपकी एंट्री की वो आपकी एलिमिनेट हो गई कम्प्लीटली. कोई मेंबरशिप लेने की आपको नीड नहीं है. दूसरा किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम आपको देने की नीड नहीं है. अगर आप आज भी चाहें तो नेक्स्ट जो आपका एग्जाम हो रहा है एसओए में आज आप उनकी वेबसाइट में जाकर के यू कैन क्रिएट योर ओन स्टूडेंट अकाउंट और आप नेक्स्ट पेपर के लिए अपना अकाउंट आज के आज आप फिल कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड टेक देयर एग्जाम्स. तो उसके लिए कोई भी ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, आपको जस्ट अपनी एक आईडी बनानी है एंड यू कैन सिंपली बुक योर एग्जामिनेशन. तो जो एंट्रिंग एसओए है दैट इज अ हैसल फ्री प्रोसेस. तो वहां पर आपको कुछ भी अलग से प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यू कैन जस्ट स्टार्ट अपेयरिंग फॉर योर मेन एक्चुअल एग्जाम्स राइट अवे और एज सच कोई भी मैंडेटरी कंडीशंस नहीं है कि आपको मिनिमम ये चाहिए होगा या आपकी एजुकेशन ये होनी चाहिए. ऑफकोर्स कुछ ना कुछ बिना कहीं प्री रिक्विजिट है कि एटलीस्ट आपका 12th क्लियर होना चाहिए ताकि आपके पास मैथमेटिक्स का उतना एक्सपोजर हो कि आप उसके एग्जाम्स दे पाए. बट एज सेट कोई भी एज सच कोई भी कंडीशंस नहीं होती हैं. नाउ दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एसओए जो हमें समझने की नीड है दैट इज टाइप ऑफ असेसमेंट्स. तो हम अगर आईएफओए या आईएआई की हम बात करें
तो उनका एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि हमारे एग्जाम्स होते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव बेस्ड आपके एग्जाम्स हैं, अभी CB1A2 में अभी OBE आपका नेक्स्ट टाइम से इंट्रोड्यूस होने वाला है, अदर देन दैट उनके सब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स हैं, कुछ आपके प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स हैं एक या दो पेपर्स में, वो आपको अपने एग्जाम्स देने हैं, क्लियर करना है, एज सिंपल एज दैट। US में ऐसा नहीं है, US में यू डोंट ओनली हैव एग्जाम्स, आपके पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनकी जो स्टडी पैटर्न है वो चार तरीके से डिवाइडेड है, यू हैव एग्जाम्स, यू हैव ई मॉड्यूल्स, यू हैव VEE, एंड यू हैव सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल सेमिनार्स एज वेल। तो जो एग्जाम्स है आपके, वो जैसा नाम बता रहे, वो अपने आप में क्या एग्जाम्स ही है, डिफरेंस क्या है, दोज आर नॉट सब्जेक्टिव इन नेचर, दोज विल बी MCQ इन नेचर, वो आपके क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपके एग्जाम होते हैं। इंडिया में जैसे सेंटर्स हैं आपके, तो कंप्यूटर बेस्ड सेंटर्स हैं, आप जाएंगे एंड आपके लैब एसोसिएटेड होगी, आप वहां जाएंगे अपना एग्जाम फिल करेंगे एंड वहां पर जाकर के आपको एग्जाम देना है, एंड दैट विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। प्रॉपर प्रॉक्टरिंग में क्या है, आपका प्रॉपर एग्जाम होता है, घर बैठ करके आपको एग्जाम नहीं देना होता है, सो यू गो एंड यू गिव एग्जाम इन एग्जाम लाइक कंडीशन एंड इन एग्जाम हॉल्स, राइट। तो देयर आर सर्टेन एग्जाम है जो आपको एग्जाम की फॉर्म में ही देना है। देन देर आर फ्यू थिंग्स नोन एज ई मॉड्यूल्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूएस ये बात जानता है कि ये सारी चीजों का एक्सपोजर आपको होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, लाइक देर आर सम फाउंडेशन मॉड्यूल्स एटसेट्रा, बट उनके लर्निंग के लिए सेपरेट एग्जाम रखना यूएस डिड नॉट फाइंड इट कंपल्सरी। उसको ये सेंस नहीं लगा कि ठीक है, मुझे अगर सपोज मुझे एथिक्स सिखाना है या मुझे कोई और चीज आपको सिखानी है, तो मुझे उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बेटर है कि मैं आपको उसको एक लर्निंग फॉर्म में आपको दे दूं, या जो और डिफरेंट चीजें हैं, सपोज कोई प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे अगर आपको इम्पार्ट करनी है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको देना है और मुझे प्रैक्टिकल डेटा का आपको एक्सपोजर देना है, सो इट विल बी वे बेटर कि मैं आपको ई मॉड्यूल्स की फॉर्म में मैं आपको वो पूरा डेटा दूं या वो लर्निंग मैं आपको दूं कि आप खुद से स्टडी करें, देन देयर विल बी क्विजेस, देन देयर विल बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ असेसमेंट, आप उसको परफॉर्म करें, एज कम्पेयर टू कि आप जाकर के सीधे सीधे उसको एग्जाम की फॉर्म में आप दे रहे हो। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड VEE, राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यूएस थिंक्स कि आपको अगर उन सर्टेन टॉपिक्स में आपका प्रायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज, तो हम उसको एग्जेम्प्ट करने को तैयार हैं, आपको वो चीजें यहाँ पे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से VEE में दे हैव 3 थिंग्स, एक है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो अगर मैं UK या IAI से मैं अगर कंपेयर करूं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू CB1, एक है आपका इकोनॉमिक्स बोथ माइक्रो एंड मैक्रो, यहां पर इट इज CB2, देन देयर इज VEE ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द लेटर हाफ ऑफ CS1, तो CS1/2 कर देते हैं जो उसका लेटर हाफ है, राइट। तो व्हाट यूएस सेज कि लेट्स से कि अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट फाइनेंस का सफिशिएंट एक्सपोजर लिया हुआ है एंड आपकी यूनिवर्सिटी को जो एसओ है वो रिकॉग्नाइज करता है, तो आपको ये VEE यहां से करने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे आपकी कॉलेज एजुकेशन के बेसिस पर वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक्स का सफिशिएंट एक्सपोजर आपकी यूनिवर्सिटी में आपने लिया हुआ है एंड लेट्स से कि अगर वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है इन SOS डायरेक्टरी, तो आपको ये पेपर या ये जो लर्निंग है वो वहां से लेने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। सेम गोज फॉर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ समवन इज डूइंग BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम DU, राइट, एंड अगर सपोज वहां पर इफ DU इज रिकॉग्नाइज्ड बट करिकुलम के आपको मैच करना पड़ता है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली राइट देम अ मेल सेंडिंग योर सिलेबस और जो आपकी मार्कशीट्स हैं या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, तो वहां पे आप सेंड कर सकते हैं कि दीज आर द सब्जेक्ट्स आई हैव लर्नड इन इकोनॉमिक्स, अगर इफ दे अप्रूव देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको ये VEE जो इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बेस पर ही आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको ये मॉड्यूल वहां पे पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। सेम गोज फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस, अगर आपने फाइनेंस के जैसे CB1 में यू हैव बैलेंस शीट्स, अकाउंट्स एज वेल रेशियोज एज वेल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस एज वेल, तो अगर आपके पास सफिशिएंट एक्सपोजर है एंड इफ यूएस थिंक्स कि आपने जो ये चीजें पढ़ी हुई है कॉलेज में, जो आपकी मार्कशीट में आपको दिखाई दे रहा है, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको दिखाई दे रहा है, अगर उनको लगता है कि ओके दिस इज सफिशिएंट फॉर अस टू कंसीडर कि हाँ आपने सफिशिएंट नॉलेज गेन कर लिया इन टॉपिक्स पे, तो आपको ये VEE जो है SOA से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ये आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ है ये आपको ऑटोमेटिकली वो एग्जेम्प्ट कर देंगे, आपको डिफरेंटली कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सेम गोज फॉर अ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पार्ट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो SOA इनके एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि यूएस में आप कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, तो वहां पे उनका ये कि अगर आपने इन तीनों में से किसी भी चीज का एक्सपोजर लिया हुआ है, तो वहां पर व्हाट यू कैन डू कि आप उसके बेसिस पर आप सिंपली इनका वेवर या एग्जेम्पशन आप इनके लिए ग्रांट कर सकते हैं। सपोज कि अब अगर आपने इसका एग्जेम्पशन नहीं लिया हुआ, सॉरी अगर आपने एक्सपोजर नहीं लिया हुआ, लेट्स से यू आर डूइंग BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं पढ़ा होगा, शायद स्टैट्स का भी आपको सफिशिएंट एक्सपोजर नहीं होगा। तो अभी जो उनके पास करंट सिनेरियो है
वो ये है कि वहां पे देर आर फ्यू सेंटर्स इन यूएस राइट जो इसकी लर्निंग प्रोवाइड करते हैं एंड SOS की ठीक है वहां से आप लर्निंग ले लीजिए, देर आर डिफरेंट ट्यूशन सेंटर्स एंड वहां से आप लर्निंग ले लीजिए, तो ट्यूशन सेंटर ही अपने आप में क्या एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, देर आर TIA, देर आर CA, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो व्हाट दे डू इज कि दे कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशंस, अगर आप वहां से पास करते हैं तो SOA उन एग्जाम्स पास करने को भी रिकॉग्नाइज करने को रेडी है. लेट्स से इफ देयर इज दिस ट्यूशन सेंटर ए, यहां से आपने अपने VEE कॉर्पोरेट फाइनेंस की लर्निंग ली, इसने अपने एग्जाम कंडक्ट किए, आप इसमें पास हो गए, तो SOA आपको फिर से क्या एग्जेम्प्ट कर देगा. SOA सेपरेटली अपना खुद से कुछ भी कंडक्ट नहीं करता है, राइट. दिस इज वन थिंग. अदर देन दैट वी हैव प्रोफेशनल सेमिनार्स, कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको क्या इंटरेक्शन करने को मिलता है ना, तो दिस इज बेसिकली गैदरिंग टाइप ऑफ थिंग, कि आपको ऑनलाइन इंटरेक्शन करने को मिलेगा. सो दिस इज मोर लाइक जैसे यहाँ पर CPDRs होते हैं आपके, राइट. आप इंटरेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में, आप पार्ट लेते हैं जो आपके प्रोफेशनलिज्म एथिक्स जो आपका पार्ट है उसको एनहेंस करने में काम आता है. तो उसी फॉर्म में क्या यहाँ पर सेमिनार्स होते हैं जो आपके UK में भी डिफरेंट फॉर्म्स में आपके पास अवेलेबल होते हैं. तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सेमिनार अटेंड करना होता है, कुछ डिस्कशन होते हैं, दैट्स इट. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट विच US और SOA हैज. एग्जाम्स हैं, कुछ ई लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, कुछ आपके वर्चुअल लर्निंग है जो आप अपने कॉलेज एजुकेशन के बेस पर आप एग्जाम करा सकते हैं. देन देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल सेमिनार्स. ये चीज क्लियर सबको, राइट. नाउ देयर आर सर्टेन मिथ्स अबाउट SOAs, तो उसकी बात करते हैं. सबसे पहला कि SOA का पास रेट पता नहीं, पहले लोग बोलते थे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्या होता है और इसकी कॉस्ट क्या रहती है आपकी. सो इफ वी टॉक अबाउट, जो हम बाद में कंपेरिजन करेंगे है ना, वेन वी स्टार्टेड. So, अगर आप कॉस्ट वाइज देखेंगे तो इनिशियल आपको भी पता है कि व्हेन यू आर पर्सुइंग योर कॉलेज एजुकेशन यू बेसिकली टारगेट स्टार्टिंग 3-4 एग्जामिनेशंस, राइट, मैक्सिमम 5 एग्जामिनेशन. इससे ज्यादा आप अपने ईज के लिए आप वैसे भी टारगेट नहीं करते हैं. तो इफ वी कंपेयर द इनिशियल 4-5 एग्जाम्स कॉस्ट, इंक्लूडिंग मैं ट्यूशन कॉस्ट भी आपके लगा रहा हूँ जो आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ, उसकी भी हम कॉस्ट करेंगे, देन इट विल बी ईदर एट पार विद IFOA और विल डेफिनेटली बी लेस देन IFOA, राइट. सो दिस इज वन थिंग विच इज अ मिथ अबाउट SOA की, इसके जो फीस होती है वो काफी कॉस्टली है. जो बाद के एग्जाम्स हैं आपके उसकी फीस काफी कॉस्टली होती है, बट देन अगेन वो एग्जाम आप तभी दोगे जब आप जॉब में जाओगे. लेट्स से अगर आप UK में आप अगर एग्जाम दे रहे हैं और आप SP पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है, जब आप SP पेपर दे रहे हैं तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका जो इनकम का बैंडविड्थ है वो जो रिड्यूस रेट को तो क्रॉस कर चुका है, बिकॉज नाउ यू आर अर्निंग ऑल्सो, ठीक है. तो अब जो आप पेपर की फीस पे कर रहे होंगे वो रिड्यूस रेट नहीं होगी, वो फुल रेट होगी. बट आप बॉदर नहीं करते, क्यों? बिकॉज वो फीस कौन स्पॉन्सर कर रहा है? आपका एम्प्लॉयर. आपको तो फीस देनी नहीं है, आपको जो फीस है वो आपकी कंपनी को देनी है. सिमिलरली लेट्स से कि अगर मैं बाद में अगर मैं फेलोशिप के एग्जाम दे रहा हूँ SOA के, एंड इफ दिस इज एक्सट्रीमली कॉस्टली, लेट्स से बहुत कॉस्टली है आपके, तो भी हमें टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज वो कॉस्ट कौन बियर कर रहा होगा? मेरा एम्प्लॉयर बियर कर रहा होगा, तो मुझे तो वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती उस चीज में. इनिशियल पेपर्स की जब आप बात करते हो व्हेन यू आर परस्यूइंग योर कॉलेज ग्रेजुएशन, सो इट विल बी एट पार और डेफिनेटली बी लेस देन IFOA एग्जाम्स इफ वी बेसिकली अप्लाई फॉर द डिस्काउंट एज वेल, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी अवेलेबल रहते हैं. जस्ट लाइक UK हैज द रिड्यूस रेट, आपके SOA के भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट रहते हैं. एंड व्हेन वी हैड आवर मीटिंग विद देम, वी हैड आल्सो प्रपोज्ड, एंड वहां पर एक और डिस्कशन चल रहा है कि मे बी दे कैन इवन एनहांस द डिस्काउंट रेट फॉर इंडियन स्टूडेंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेट्स होप कि वो चीज भी ट्रू हो जाए, राइट. अदर देन दैट, तो सबसे पहले चीज बोली जाती थी कि यार ठीक है SOA के पेपर आप दे दोगे पर क्या फायदा, कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कंपनी में तो IFOA के एग्जाम मांगते हैं, IIA के आपके एग्जाम मांगते हैं, वहां जाओगे आपको खर्चा खुद ही करना पड़ेगा पेपर्स का, उसके बहुत उसके पेपर बहुत कॉस्टली होते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. Why companies mention फॉर देयर जॉब्स एज आपके IFOA के एग्जाम्स एंड IIA के एग्जाम्स एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज इंडिया में बच्चा पेपर वहां से ही दे रहा है. अब अगर सपोज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया में जो मार्केट है, 99% बच्चा जो है वो IFOA और IIA के एग्जाम्स दे रहा है. अब कंपनी आपकी जॉब रिक्वायरमेंट पोस्ट कर रही है, कंपनी बोल देगी हमें एग्जाम चाहिए PFM FAM, किसी को पता ही नहीं है कि एग्जाम क्या है, राइट. तो फिर कोई मतलब ही नहीं है. तो कंपनी विल हैव टू राइट CS1 CM1 CS2 CM2 जो भी इनकी आपकी रिक्वायरमेंट है. तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि नहीं कंपनी को वही आपके एग्जाम चाहिए, बिकॉज मोस्टली बच्चा वहीं पर है, तो एलिजिबिलिटी क्लियर हो इसके लिए ऑफकोर्स कंपनी को वही पेपर्स मेंशन करने पड़ेंगे जो स्टूडेंट मोस्टली इस टाइम पर दे रहे हैं. मेजर कंपनीज लाइक आपकी जो लीडिंग फर्म्स हैं आपकी PwC, एक्सेंचर, EY, KPMG, मर्सन, मिलीमैन एंड अ लॉट ऑफ मोर कंपनीज, सच कंपनीज, ऑल ऑफ देम हैव स्टडी पॉलिसीज फॉर SOA एग्जाम्स, बट ऑफकोर्स पेपर देने वाले लोग कम होते हैं इसलिए उतना हाईलाइट नहीं होता है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस, राइट. अंडरस्टैंड वन थिंग, इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया आर वेरी लिमिटेड इन नंबर. जो प्रॉपर जो कोर आपकी इंश्योरेंस कंपनी से बहुत लिमिटेड है, चाहे इंडिया हो चाहे और भी कोई कंपनीज हो, वो आपकी लिमिटेड रहती है. कहीं पर भी जो आपको मेजर जो आपको वर्क दिखाई देगा वो कंसल्टिंग का आपको वर्क दिखाई देगा, इधर इन कंसल्टिंग और इन ऑडिटिंग, राइट. तो जितनी भी मेजर कंसल्टिंग्स हैं
उनके जो क्लाइंट्स हैं इधर दे आर यूरोप बेस्ड, मिडिल ईस्ट बेस्ड और आपका यूएस और कैनेडा बेस्ड, तो हर किसी का मेजर कंसल्टिंग्स आर बेस्ड आउट इन यूके सॉरी यूएस, ठीक है। उसके बाद जो उनके क्लाइंट्स भी हैं मेजरली वो कहाँ पे हैं आपके, यूएस के क्लाइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हाउ इज इट पॉसिबल कि जिसकी जो पेरेंट कंपनी है, जिसकी जो होम कंपनी है वो आपकी यूएस रजिस्टर्ड है, वो यूएस की कंपनी है, उसके मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो भी आपके यूएस के हैं और वो यूएस के एग्जाम्स को रिकॉग्नाइज ना करते हो, हाउ इज इट इवन पॉसिबल, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज मोर देन अ मिथ, राइट? जो मेजर कंसल्टिंग्स हैं वहां पे हर जगह पर आपके एसओए की एग्जाम पॉलिसीज होती है। थिंग इज कि कोई देने वाला एग्जाम्स बने तब जाकर के वो पॉलिसीज के आपकी यूज हो पाएंगी, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट रिकॉग्निशन, तो ये चीज तो क्लियर है, चीज में कोई भी डाउट नहीं कि पूरे वर्ल्ड वाइड SOA जो है आपका दैट इज एज रिकॉग्नाइज्ड एज IFO एंड IEI इफ नॉट मोर, राइट? उसमें कोई भी कहीं पर भी डाउट नहीं हो आपका, होना चाहिए। करिकुलम की बात करें तो SOA कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन अपडेटिंग इट्स करिकुलम, एंड अपडेटिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार पेपर में चार चार पन्ने आपके बढ़ाता जा रहा है, जस्ट लाइक IFO इज डूइंग इट स्पेशली विद CS2 एग्जामिनेशन। आप CS2 हर बार बुक खोलो, हर बार आपको 10 पन्ने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इस बार फिर कुछ नया ऐड हो गया, इस बार फिर कुछ नया ऐड हो गया, इस बार फिर कुछ नया ऐड हो गया, हम एंड आपका होते जा रहा है, एज इफ CS2 जो है आपका वो कमी नहीं है सिलेबस में, उसमें और ज्यादा वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से नहीं, वेन वी से कि इट कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन अपडेटिंग एग्जाम, तो इट कॉन्स्टेंटली कीप्स डूइंग मार्केट रिसर्च कि वॉट इज मोर रेलिवेंट इन दीज डेज और क्या रेलिवेंट नहीं है। जैसे पहले आपका एग्जाम हुआ करता था IFM विच वॉज इक्विवेलेंट टू CM2 पार्ट, तो उन्होंने IFM को डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज उनको पता चला कि जो CM2 की कुछ जो कोर नॉलेज है वो बहुत ज्यादा उतनी यूज नहीं होती, जो जो पार्ट रेलेवेंट था उसको किसी और पेपर्स में डाल दिया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया और IFM को निकाल दिया गया। IFM की जगह पे दे इंस्टेड इंट्रोड्यूस अ पेपर मॉड्यूल कॉल्ड ATPA दैट वॉज एडवांस टॉपिक इन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, बिकॉज एज द कंपनी एज द मार्केट इज ट्रेंडिंग तो उनको पता कि जो एनालिटिक्स का पार्ट है आपका वो क्या बहुत वास्टली आपका ग्रो कर रहा है और बहुत ज्यादा रियल लाइफ में क्या यूज हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग समथिंग विच वन में नेवर यूज इन हिज प्रोफेशनल लाइफ टाइम, क्यों ना ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे वाकई में उसकी जो स्किल सेट है वो आपकी इनहेंस हो। तो ATPA में जो आप PA पढ़ते हैं दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, उसमें प्रॉपर आपको इसमें एक केस स्टडी मिलती है जो आपको खुद से स्टडी करने होते हैं, खुद के असेसमेंट्स क्रिएट करने होते हैं और आपको सबमिट करना होता है, देन दिस सी कि आपको जो असेसमेंट स्किल्स है वो आपका कितना अच्छा है, आपको जो प्रिडिक्शन स्किल्स है वो आपको कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें टेस्ट करना इज मच बेटर देन टेस्टिंग समथिंग जो अभी तक सिलेबस का पार्ट नहीं है, गेटिंग अ पॉइंट? स्पेशली जैसे हम यूके की बात करें, द प्रॉब्लम इज कि यूके अब इतना मैथमेटिक्स हैवी बन चुका है, इतना ज्यादा मैथमेटिकल हैवी बन चुका है कि वो चीज समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। व्हेन यू गो टू वर्क यू विल रिकॉग्नाइज कि उतनी मैथमेटिक्स आप यूज नहीं करते, आज से पहले कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, ठीक है? उसका रीजन क्या था कि वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपका हुआ करता था। पोस्ट 2019 जब सिलेबस आपके मर्ज हुए और जब पेपर्स आपके और ज्यादा सिलेबस आपका इंक्रीज हुआ, तो एक सही बैलेंस फाइंड करना एग्जाम्स का वैसे भी डिफिकल्ट बन चुका था। पोस्ट कोविड दिस हैज बिकम अ डिजास्टर बिकॉज अब बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो अब IFO में टेस्ट हो रहे हैं अलॉन्ग विद द सिलेबस, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि अब पुराने टाइम से चलती आ रही है सिलेबस का पार्ट है, इसलिए वो यूज आपकी होती जा रही है, अदरवाइज अभी तक उनको भी बहुत ज्यादा सेंस कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? So, if we talk about the exams, so this is the route to associateship. तो अगर हम UK की बात करें तो आपके जो शुरू की जो आपकी दो सीरीज हैं उसके बाद आप एसोसिएट बनते हैं, दिस इज द रूट ऑफ एसोसिएटशिप ऑफ SO एग्जामिनेशन। आई थिंक विजिबल है एग्जाम के नेम, अदरवाइज आई विल रीड इट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो जो भी आपके ब्लू में है दीज आर एग्जाम्स, राइट? जो आपके ग्रीन है दीज आर VEE, जो आपके येलो है दो आर योर ई मॉड्यूल्स, जो रेड है आपका वो सेमिनार है जो आपको एक बार देना पड़ता है, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन, दिस इज एग्जाम FM, एग्जाम P, एग्जाम FAM, एग्जाम SRM, यहां पर वी हैव ALT AM और ASTAM, इसमें से कोई भी आपको एक पेपर देना होता है, एंड देन एग्जाम PA। तो मैं अगर एग्जाम की बात करूं, सो यू ओनली हैव टू क्लियर 6 एग्जाम्स to become an associate, just है ना, these are exams, और उसके बाद सीधा associate बनते हो। Other than that, आपके पास 3 VEE हैं, जो आप there's a very good chance कि शायद आप college experience के basis पर कहीं ना कहीं आप उन्हें कुछ part तो उसका आप exempt करवा लोगे। And then these are e-learning module जो आपके yellow में है, जो आप exam के बीच-बीच में कभी ना कभी आप clear करते रहते हैं। This is FAP, which is equivalent to UK's CP1 examination, which is one of the most difficult exam in UK curriculum, जिसके बारे में बात करते थे, right? This is ATPA, which I was talking about, जो introduce किया गया था by replacing IFM,
अब IFM क्या है, विच वॉज फर्दर इक्विवेलेंट टू CM2 जो आपका हुआ करता था, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज उनको लगा कि ये थोड़ा सा आउटडेटेड है और इसको रियल लाइफ में नहीं, लाइफ नहीं, जनरल नहीं, पेंशन किसी प्रोफाइल में बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज यूज नहीं होती है. तो इंस्टेड कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जो वाकई में इस टाइम पे यूज हो रहा है, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. तो दिस इज हाउ US कीप्स ऑन अपडेटिंग इट्स ओन करिकुलम एंड एग्जामिनेशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम, तो FM की मैं बात करूं तो दिस इज नथिंग बट CM1/2. जिन्होंने CM1 दिया हुआ है, जो उसका फर्स्ट हाफ है, जहां से आपका लाइफ टेबल स्टार्ट होता है, उससे पहले का जो टर्म स्ट्रक्चर तक का है, उसमें से भी एक आध चैप्टर कमी मान लीजिए आप, तो जो फर्स्ट हाफ है आपके CM1 का, दैट इज आपका एग्जाम FM. जो एग्जाम P है, दैट इज अगेन CS1/2. आप CLT जो आप पढ़ेंगे, जिसमें CS1 पढ़ा हुआ है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम तक आप पढ़ोगे, वहां तक का सिलेबस है. जो स्टैटिस्टिक्स है, विच एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस्टिमेशन, उसके बाद का पार्ट यहाँ पर आपका नहीं आता है. वो एक्चुअली जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, वो आपका यहाँ पे कवर करने का वो ट्राई करते हैं, जो बचा हुआ आपका स्टैटिस्टिक्स है, दैट इज इन VEE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, विच इज अगेन अ VEE. तो आपने अगर ये कहीं से पढ़ा हुआ है और वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस चीज को, तो आपको ये देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. राइट, इफ यू टॉक अबाउट FAM, सो दिस इज सम पार्ट ऑफ CS2, अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ CS2 and some part of CM1. Now, SRM, this is a very advanced and a really good balance of most of the topics of CS2 exam. So, CS2 के बहुत सारे ऐसे topics हैं जो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. Again, पूरा का पूरा CS2 नहीं है, बहुत सारे अच्छे topics हैं. Especially, they put a lot of emphasis on topics like machine learning, right? And आपका time series हो गया, ये सारी चीजों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से basically study कराया जाता है. तो हो क्या रहा है, जैसे जब पहले आपका 2019 से पहले की जब मैं बात करूं, तो CS2, as you might have known, कि दो पेपर का कॉम्बिनेशन था, CT4 एंड CT6. तो CT6 में आप सारे के सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़े, आप पढ़ा करते थे, राइट? आप इसमें रिग्रेशन का एडवांस वर्जन पढ़ते थे, विच इज GLM एंड ऑल, राइट? उसके बाद क्या है, आप टाइम सीरीज पढ़ते थे, आप सब कुछ पढ़ते थे. CT4 में आप स्टोकेस्टिक मॉडलिंग पढ़ते थे, आप सर्वाइवल एनालिसिस पढ़ा करते थे. तो जब ये आपके डिफरेंट पेपर्स हुआ करते थे, तो आप जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट पेपर हैं, तो यूके और इंडिया के पास मौका हुआ करता था कि आपकी हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके. जैसे CT6 को हम 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया करते थे, चैप्टर ज्यादा थे बट हम कुछ टॉपिक्स को हम क्लब कर देते थे, तो ऑल इन ऑल देर वर 10 टॉपिक्स. तो आप ये मान के चलिए कि CT6 में हर 10 टॉपिक में आपको लगभग एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता था. तो हर चैप्टर टेस्ट होता था एंड एक बहुत बैलेंस पेपर आया करता था. कोई टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट है, कोई ईजी है, तो आपके पास देर वॉज अ वेरी गुड चांस कि आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आप वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे. CT4 की बात करें, सेम CT4 में आपको हुआ करता था, आपका स्टोकेस्टिक पार्ट भी, आपका सर्वाइवल पार्ट भी, दोनों आपका अच्छे से विद द राइट बैलेंस आपका टेस्ट हुआ करता था. जब ये कंबाइन हुआ आपका CS2, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस कहीं ना कहीं लूज होगा, क्योंकि अब चैप्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और आपके पास क्वेश्चन तो आपको उतने पूछने हैं ना, 8-9 ज्यादा पूछ नहीं सकते, वरना क्या पेपर आपका खत्म नहीं होगा. 2019 तक फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस था, कुछ ना कुछ आपको मिल जाता था. 2020 के बाद एक प्रॉब्लम और आ गई मैथमेटिकल टाइपिंग की, तो यूके को अब ये भी सोचना पड़ा कि इस चीज को भी कैसे बैलेंस आउट किया जाए. तो अब जो आपका पेपर आ रहा है वो समझ से बाहर है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रहा है, पता नहीं इस चीज में, राइट? तो इसके जो टॉपिक्स हैं CS2, स्पेशली दे पुट एम्फेसिस ऑन टॉपिक्स लाइक मशीन लर्निंग और समथिंग विच इज एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन एक्चुरियल, क्योंकि डेटा साइंस और जो डेटा एनालिटिक्स है वहां तो बहुत टाइम से है ही है. अब क्योंकि उसी के सेम मेथड जो है, सेम टूल्स आप अपने एक्चुरियल में भी आप यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना उस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए. उन सारी चीजों में US ध्यान दे रहा है, तो पूरा उसने फोकस किया हुआ है आपका एग्जाम SRM पे, और उसके बाद एग्जाम SRM के बाद आपका एग्जाम PA. एग्जाम PA और एग्जाम SRM में आप बहुत अच्छा खासा कोर्सेस का जो उनका करिकुलम है उसका ओवरलैप देखोगे. तो यहाँ पे दिल फोकस मोर ऑन थ्योरी एंड यहाँ पे दिल फोकस मोर ऑन देयर प्रैक्टिकल साइड, कि किस तरीके से आपका हो रहा है. तो R की बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपकी होती थी, जैसे यहाँ पर CS1 में आपको R भी पढ़ना है, CS2 में आपको R भी पढ़ना है ना, आपको सारी चीजें सीखनी है. यहाँ पर जब हम बात करें तो SRM में सिर्फ आपको R का आउटपुट रीड करना आना चाहिए, उसके लिए आपको स्पेशली R पढ़ने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? अगर आप में जिन लोगों ने CS1 पढ़ा हुआ है, तो जो लोग पढ़ चुके हैं पूरा, अभी पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं करता, तो आप लोगों ने असाइनमेंट में रिग्रेशन के खासकर अनोवा तो चलो नहीं है, रिग्रेशन के खासकर आपने असाइनमेंट में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसमें आपको कोफिशिएंट पैरामीटर, उसके नीचे उसका स्टैंडर्ड एरर, इस तरह से नंबर का डेटा आपको दिया रहता था. तो वो किसी न किसी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का डेटा ही आपका है. तो जब आप उसको रीड आप कर लेते हो, तो आपको पता है ना कि मुझे अल्फा हेड दिया हुआ है, मुझे बीटा हेड दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ, मुझे वो दिया, आपको सब कुछ वो रीडेबिलिटी आपके लिए ईजी होती है. तो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. यहाँ पे SRM में वो है, PA में आपके R की नॉलेज रिक्वायर्ड थी और R का आपको एक्सेस मिलता था जब आप पेपर दे रहे थे, बट इस बार से शायद उन्होंने R का एक्सेस देना बंद कर दिया. तो शायद R का एक्सेस देना बंद कर दिया, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एग्जाम में आपको R में कोडिंग करने की शायद इसमें भी अब जरूरत ना पड़े. दे विल बी मोर फोकसिंग ऑन कि आपको आप खुद से वैसे कोड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, या आप जो रिजल्ट है
और जो आपको बेसिकली इंटरप्रेट करना है भाई, दो तरीके हैं। आप इस चीज को समझो, आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हो जैसे CS1 CS2 में आप पढ़ रहे हो, CM1 CM2 में आप पढ़ रहे हो, मेनली CS1 CS2 की बात करते हैं, तो आप जिस तरह के आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप वही सारे के सारे फॉर्मूले आप आर कोडिंग में आप अप्लाई करो, दैट्स वन थिंग। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जो आप पेपर ए में कर रहे हो आपको पेपर बी में करने का मौका मिल रहा है, एक ऑप्शन लर्निंग का ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट आते हैं, कमांड्स आपको आती हैं, व्हाई डोंट आई गिव यू अ रियल लाइफ केस स्टडी, एंड आप उस केस स्टडी में खुद का दिमाग लगाओ कि कौन सा स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए। आप खुद से उस पर एनालिसिस करो, आप एक रिपोर्ट क्रिएट करो, एंड देन गिव योर ओन असेसमेंट जो आपको समझ में आ रहा है। दिस इज द सेकंड वे ऑफ लर्निंग, विच वन वुड यू प्रेफर? ऑफ कोर्स द सेकंड वन, बिकॉज दिस गिव्स यू अ मोर टाइम टू लर्न, एंड एक्चुअली आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि अभी CS2 में और IFO के करिकुलम में कहीं ना कहीं ज्यादा लैक कर रहा है। राइट, इस एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, अगर ALTM और ASTM, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक पेपर चूज करना हो तो दोनों में से, सो दिस इज द एग्जाम विच बेसिकली स्टूडेंट्स प्रेफर टू गिव आफ्टर दे आर इनटू अ जॉब, क्योंकि ALTM जो है वो बेसिकली लाइफ को प्लीज करता है, जो लाइफ की प्रोफाइल है, और ASTM जो है वो जनरली जो जनरल इंश्योरेंस है उसकी प्रोफाइल को प्लीज करता है। जैसे UK में क्या है कि आपको सारे मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे, बाद में आप डिसाइड करो, वो स्पेशलाइजेशन एक डिफरेंट है कि आपको लाइफ में करना जनरल में करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो इसमें भी है। बट यहाँ पे क्या, स्टार्टिंग में दे डोंट बर्डन यू विद ईच एंड एवरीथिंग। तो सपोज आप अगर लाइफ में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप लाइफ में क्या है अपने जॉब को कंटिन्यू करेंगे, तो वाई शुड आई बर्डन यू टीचिंग यू सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि जनरल में यूज होते हैं और लाइफ में दूर दूर तक यूज नहीं होते, मैं क्यों बर्डन करूँ आपको? सेम गोज फॉर जनरल, कि आप जब जनरल में जो आपको मेथड यूज करने में लाइफ के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो आप जनरल में कभी भी यूज नहीं करोगे, मैं क्यों पढ़ाऊँ आपको और आपको क्यों बर्डन लेना है? क्यों ना जो मेरे स्किल सेट है जो मैं एक्चुअली यूज करने वाला हूँ उसी को और बेटर किया जाए, है ना? तो यहाँ पर क्या चॉइस दी जाती है कि दोनों में से कोई एक पेपर आपको करना, जनरली आपका एम्प्लॉयर आपके लिए चूज करता है, मतलब किस प्रोफाइल में आप काम करो उस आप तब बेसिकली चूज कर रहे होते हो। राइट, देन दिस FAP दैट इज फंडामेंटल एक्चुअल प्रैक्टिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू CP1। तो यहाँ पे जहाँ पे UK में आपके CP1 का एग्जाम होता है, CP1 का एग्जाम आपका 2 दिन में होता है ना, पहले दिन आपका पहला एग्जाम होगा और आपका नेक्स्ट डे भी आपका एग्जाम होगा, तो वो 40 या 42 के आसपास चैप्टर्स हैं उसमें, ठीक है, एंड इट इज द लेंथीएस्ट पेपर इन द एंटायर एक्चुअल सीरीज और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ये है कि लोग पहले SP क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग पहले SA भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद CP1 देते हैं ताकि उनको थ्योरी लिखने की हैबिट हो जाए, और पूरा थ्योरी बेस्ड आपका एग्जाम है, क्वेश्चन आएंगे, आपको रीजनिंग देनी है, सोचना है उसके ऊपर सारा कुछ, आपका पूरा पूरा ये उस बेस्ड एग्जाम है, और कंपनीज में इसका इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा होता है, बिकॉज ऑफकोर्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, तो आप अगर क्लियर करते हो तो पैसा भी आपको अच्छा खासा मिलता है। उसी की जगह पर US में आपके पास ई मॉड्यूल्स हैं, जैसे 6-7 मॉड्यूल्स होंगे इसके अंदर, आपने एक मॉड्यूल स्टडी करना शुरू किया, उसका जो भी असेसमेंट है क्लियर किया, नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ लो, 3 मॉड्यूल कर लो, लोगों ने 2-2, 3-3 महीने में ये पूरा का पूरा मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिया, वीकेंड पे पढ़ाई कर करके और वीकडे में 1-1 घंटा दे करके, जहां आप 4-5 महीने में सिर्फ CP1 पढ़ोगे, उसके बाद जितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका डिसीजन होगा वो उन 2 दिनों में होने वाला है, जिस दिन आप पेपर लिखने वाले हो। आपने चाहे बहुत अच्छा पढ़ा है, एग्जाम के दिन आपका दिमाग नहीं चला तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, और सपोज आप, और CP1 की प्रॉब्लम एक ये भी है कि CP1 क्या है, इट इज अबाउट बेसिकली एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट, राइट? तो ये एक जनरल पेपर है, इसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ोगे, आप जनरल के बारे में पढ़ोगे और थोड़ा बहुत पेंशन के बारे में पढ़ोगे, सबसे ज्यादा कंटेंट लाइफ का है, फिर जनरल का, पेंशन का थोड़ा कम है लेकिन है तो सही। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कई बार स्टूडेंट्स को, देखो पहली बात तो ये कि ये पेपर वही दे रहा है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, सपोज आप लाइफ में काम कर रहे हैं, आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, अब आपने तैयारी की है तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन बायस तो आपका रहेगा कि आप लाइफ का जो कंटेंट है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, जनरल को थोड़ा कम पढ़ोगे और पेंशन को थोड़ा और कम पढ़ोगे। अब आपकी किस्मत है, आपका क्वेश्चन ही पेंशन का फंस गया, आपके पेपर में आ गया 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ गया, तो ठीक है, लिमिटेड नॉलेज से उतना ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। वेरे जो स्टूडेंट पेंशन में काम कर रहा है जो पर्सन, वो उसको बहुत बेटर तरीके से लिख पाएगा, अगर लाइफ का क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप बहुत बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो एक सही बैलेंस फाइंड करना अगेन इज रियली डिफिकल्ट। जब कोविड तक जो पूरी सिचुएशन थी, जब तक IFO या SOA का एग्जेम्पशन था आपस में, यू वोंट बिलीव हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गेव देयर रिमेनिंग एग्जाम्स फ्रॉम IFO टुक दिस एग्जाम FAP जस्ट टू इग्नोर CP1 इन रियल लाइफ, कि हमें CP1 ना देना पड़े, क्योंकि तब IFO एग्जेम्प्ट करता था FAP को CP1 के लिए, तो उनको ये CP1 ना देना पड़े, उन्होंने खुद की पॉकेट से भी फीस भर के, ठीक है, FAP का एग्जाम दिया और उसके बाद UK में अपना CP1 एग्जेम्प्ट कराया। ऐसे 300-400 पता नहीं कितने लोग थे कम से कम, ठीक है, जब UK ने ये देखा तो उनको दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट अवे रेवेन्यू लॉस है भाई, और एक बार का भी नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि मोस्टली लोग क्या पहली बार में फेल कर जाते हैं, तो दो दो बार फीस आनी थी, UK के बाद फीस ही नहीं आ रही, एक बार आ रही है वो भी एग्जेम्पशन की फीस, तो उसके कुछ टाइम के बाद UK ने SOA से एग्जेम्पशन ही बंद कर दी, ठीक है, कि अब हम अगर किसी का पेपर SOA से क्लियर है तो हम एग्जेम्प्ट
नहीं करेंगे यहाँ पर यूके का कोई भी पेपर, वेयर एज जो दूसरा रूट है वो खुला हुआ है कि यूके से आपका अगर पेपर क्लियर है कोई तो वो आपका एसओए में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, विच विल डिस्कस आगे भी, राइट। सो दीज आर द एग्जाम। तो आप अगर देखो तो आपके 6 एग्जाम्स हैं एंड आपके बीच में क्या मॉड्यूल्स हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो जो पी और एफ एम है ये आपके हर 2-2 महीने में होते हैं, तो ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपने क्लियर किया, 4 महीने में शायद आप 2 पेपर भी आप पास कर लो क्योंकि ये पहली पहली सिटिंग में हो जाएंगे। आपको ही पता जिसने सी एस वन पढ़ा कि सी एल टी तक कितना सिलेबस था, ठीक है, आप अगर करोगे तो हो जाएगा ना। जिसने भी सी एम वन पढ़ा उसको पता कि फर्स्ट हाफ, अगर मुझे फर्स्ट हाफ ही पढ़ना है और मुझे ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना, मुझे मैथमेटिकली टाइप भी नहीं करना, मुझे एक्सेल भी नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता कि आप भी क्लियर कर लोगे। तो 2-2 महीने में 4 महीने में 2 पेपर ही आपके क्लियर हो गए, सीधी सी बात है। तो लोग करते क्या है, जैसे मान लो जो बाकी एग्जाम है आपके वो साल में 2 बार हो रहे हैं, अभी शायद 3 बार भी हो कुछ पेपर, ऐसा होता है। तो सपोज मैंने अगर कोई पेपर पढ़ना शुरू किया तो स्टूडेंट करते क्या है, वो पेपर पढ़ रहे हैं, बीच में एक मॉड्यूल पिक कर लिया, 3 वीक में ये मॉड्यूल भी खत्म कर लिया वीकेंड वीकेंड पढ़ करके। तो लोग इस तरीके से प्लान करते हैं कि जो मॉड्यूल्स हैं ये पता भी नहीं लगते हैं आपके एग्जाम के बीच बीच में, आप खत्म कर लेते हैं। मुझे पता है मेरे जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 5 महीने के बाद है, तो बीच में मैं प्रिपरेशन तो कर ही रहा हूँ, साथ में मैंने मॉड्यूल पिक कर लिया, हल्का सा स्टडी किया, क्विज किया, असेसमेंट जो भी उसका तरीका करने का वो किया, एंड आई एम थ्रू विद मॉड्यूल्स एज वेल। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली सेव देयर टाइम व्हेन दे आर परसुइंग एसोसिएटशिप फ्रॉम एसओए, राइट। सो एसोसिएट बनने के लिए आपको ये सब कुछ करना है। इसके बाद जस्ट लाइक फेलोशिप यू विल हैव डिफरेंट रूट्स कि आप कहां पर आप काम कर रहे हो, जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ईआरएम, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत रेयरली यहां पे कोई करता है, ठीक है। देयर इज इन्वेस्टमेंट में आप फेलोशिप कर सकते हो, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस में आप फेलोशिप कर सकते हो, एंड रिटायरमेंट दैट इज पेंशन, देन देयर इज जनरल इंश्योरेंस, देन देयर इज ग्रुप एंड हेल्थ इंश्योरेंस के आसपास। तो अगेन दीज आर लाइक इक्विवेलेंट टू योर एसपी एंड एसए मॉड्यूल्स, राइट। तो ये तो आप तब डिसाइड करोगे जब आप जॉब में होंगे, जिस भी प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो तो उसी लाइफ उसी ट्रैक में आप बेसिकली आप क्या करोगे, अपने फेलोशिप को परस्यू करने वाले हो। तो ये तो बात की बात है। तो इसमें भी आपके क्या एग्जाम्स होते हैं, लाइक 2 या 3 आपके एग्जाम होंगे, बाकी 2-3 मॉड्यूल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस ट्रैक को फॉलो करो, तो एक आध एग्जाम है, एक आध मॉड्यूल आपका ऊपर नीचे हो सकता है। एंड वंस यू क्लियर दोज एग्जाम्स एंड यू स्टडी दोज मॉड्यूल्स, आप फेलोशिप के लिए सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, आई डोंट थिंक ऐसी भी रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए फेलोशिप बनने के लिए, या 1 या 2 साल का चाहिए एसोसिएट बनने के लिए। जैसे आपका यूके में कि आप ठीक है आपके एग्जाम क्लियर हो गए, बट फेलो का टाइटल आपको तब मिलेगा जब एटलीस्ट 3 साल का वर्क एक्स आपके पास होगा, एसओए में ऐसी कोई भी एसएस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तो दीज आर अवर बेसिकली फेलोशिप। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज कंपैरिजन ऑफ आईएफओ एंड एसओए, राइट। दिस इज द मेन टास्क। सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट वाइज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इनिशियली आईएफओए को आपको मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, इवन इफ यू आर अपीयरिंग एग्जाम एज अ नॉन मेंबर, जिसके लिए आपको 20 पाउंड वैसे भी क्या एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया आप अगर दे रहे हो। उसके बाद आपको मेंबरशिप देनी है एंड हर साल रिन्यू होगी आपकी, दैट इज नॉट 21 बट 80 पाउंड के आसपास, ठीक है। एसओए में एंट्रिंग में कोई फीस नहीं है, आप सीधे अपने एग्जाम की फीस भरो एंड दैट इज देन यू आर जस्ट गुड टू गो। अगर हम कॉस्ट की बात करें, वी कैन मेक अ डिटेल कंपैरिजन ऑफ दैट एज वेल। तो इनिशियल जैसे मैंने 5 एग्जाम लगा, 4 to 5 एग्जाम है, कोई भी कॉस्ट में कोई भी फर्क नहीं आता, इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस, राइट। और ट्यूशन फीस मिला करके आई एम डेफिनेटली श्योर कि डेफिनेटली जब की कॉस्ट है वो कम जाएगी जाएगी, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग ट्यूशन लेट्स से फॉर CS1, CM1, CS2, CM2, जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा है ना, फ्रॉम आर पार्ट एफर्ट इज रियली बिग, बिकॉज आपका जो मॉड्यूल्स है वो बहुत लेंथी है, देन देर इज प्रैक्टिकल पार्ट, देर इज डिफरेंट जो चीजें हमें और प्रैक्टिस करनी होती है वो सारी चीजें, देर इज मैथमेटिकल टाइपिंग पार्ट, यहाँ पर उसके कंपेरिजन में एफर्ट जो है वो बहुत कम होता है फ्रॉम द टीचिंग साइड एज वेल एंड फ्रॉम द स्टूडेंट के लर्निंग साइड एज वेल। तो वो भी पक्की बात है कि फीस में ड्रास्टिकली क्या आपको रिडक्शन आपको देखने को मिलता है। देन आपको पता है कि आप जब स्टडी कर रहे हो तो आपको रिड्यूस रेट के आपको एग्जाम की फी पे करनी पड़ती है, सेम आपका एसओए में भी, एसओए भी आपका जस्ट बिकॉज यू आर इंडियन आपको क्या है एक डिस्काउंट आपको ऑफर करता है, विच इज अराउंड 25-30% के आसपास जो उनकी ओरिजिनल फीस है उसके आसपास का, एंड देन एज वी आर सेट कि शायद हो सकता है कि ये डिस्काउंट आपको और इंक्रीज हो सके। देन वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल पार्ट इज IFOA में आपको पता है कि मैथमेटिकल टाइपिंग आपको करनी है, राइट। दिस इज अ वेरी कॉमन फीडबैक कि कई क्वेश्चन आते थे बट बिकॉज ऑफ टाइपिंग स्पीड हमारा पेपर छूट गया, ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, एक छूट गया, वो छूट गया। और वो जब आप किसी का पेपर फंसता है लाइक 2 मार्क्स से या 3 मार्क्स से, देन वो बहुत पेनफुल फील होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर वो वाला क्वेश्चन मेरा हो गया होता तो ये 2 या 3 मार्क्स जो मैं लैक कर रहा था मेरा इजिली उस टाइम पे क्लियर हो चुका होता, राइट। तो ये बहुत बड़ा पेन है। यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट है, दैट इज वन थिंग। करिकुलम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, स्पेशली फॉर पेपर्स लाइक CS2, राइट। यहाँ पर क्या करिकुलम इज फिल्टर्ड एंड ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि CS2 के भी ब्रेक पार्ट किए हुए हैं, जो काम करनी है वो है ही नहीं, और जो काम का है वो किस मॉड्यूल के साथ देना है वो ब्रेक किया हुआ कि किस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे किस चीज पे ज्यादा फोकस कराना है। लाइक IFOA के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपके ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो उस सब्जेक्ट से इसका कोई लिंक ही नहीं है,
बट क्योंकि उनको जो करिकुलम था वो शफल करना था, इसलिए वो उसका पार्ट बन चुका है ना। द कॉमन एग्जांपल इज CM2। CM2 की पूरी कहानी फाइनेंस और डेरिवेटिव मार्केट से आसपास घूम रही होती है, फाइनेंशियल मॉडल्स, फाइनेंशियल मार्केट्स के आसपास। फिर इसमें दो चैप्टर आपके आते हैं, एक होता है रन ऑफ, एक होता है रुइन थ्योरी, जिसका दूर दूर तक कोई लेना ही नहीं है। रन ऑफ आपके जनरल इंश्योरेंस के लिए काम करता है, हाउ दे बेसिकली कीप रिजर्व, एंड रुइन भी आपका जनरल के लिए काम करता है बेसिकली। तो ये पहले आपके CD6 के पार्ट हुआ करते थे। अब अगर ये भी अगर CS2 में डाल देते तो सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता, इसलिए CM2 में डाल दिया। तो आप पूरी कहानी आप अलग चल रही है, आखिरी के दो चैप्टर में आपको समझ नहीं आएगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एकदम से कहां से सारा कुछ आया, राइट? तो ये चीज है। पास रेट अगेन वेरीज इन बोथ द सोसाइटीज, बट IFO से ऑफकोर्स आपका बेटर है। जो SOA की आप एग्जाम की कट ऑफ आप देखेंगे, इनिशियल एग्जाम्स की, उसकी कट ऑफ 70-75 के आसपास जाती है। स्टिल इतनी हाई कट ऑफ के बाद भी आपको जो रिजल्ट है 55% है, उससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलता है, जो कि यूके में जब कट ऑफ आपकी, और यूके में उल्टा बन गया आपका, है ना, उल्टा भी नहीं हुआ एक्चुअली, और आपका और ही बेकार हो गया कि कट ऑफ आपकी 55-56 तक जा रही है, तब भी रिजल्ट आपको 30%, 29%, 28% इसके आसपास आपको रिजल्ट का देखने को मिल रहा है। तो यूके का जो रिजल्ट है आपको पता है कि इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, इफ नॉट ऑल ऑफ दैम, राइट? तो दैट इज डेफिनेटली वे बेटर इन SOA देन IFO एग्जाम्स। एग्जेम्पशन IFO अब किसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं करता है, चाहे आपका इंडिया से एग्जाम क्लियर हो, अब ये वो डेट्स पास हो चुकी हैं, चाहे आपका SOA से एग्जाम क्लियर हो, चाहे कैश से हो, चाहे किसी से भी हो। जो IFO की जो खुद की बॉडीज है, आई थिंक जो साउथ अफ्रीकन सोसाइटी है, ऑस्ट्रेलियन है, उसको शायद फिर भी अभी रिकग्नाइज करता है कि वहां से कुछ लेंगे, क्योंकि उनका करिकुलम अभी भी सेम है और शायद वही रेगुलेट करता है IFO, तो उनका फिर भी कंसिडर करते हैं, बट बाकी कहीं का कुछ भी IFO कंसिडर नहीं करता है। वेयर एज SOA जो है IFO के एग्जाम्स कंसिडर करता है, और IEI के जो शुरुआत के कुछ एग्जाम्स हैं उनको वो कंसिडर करता है, एंड देन इट ग्रांट्स द एग्जेम्पशन पार्ट, राइट? सो दीज आर द बेसिक फीचर्स एंड दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट SOA। नाउ कम्स द मेजर पार्ट, जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, वो आप पूछ सकते हो, एंड दैट विल बी वेरी मच इनसाइटफुल आई विल से। हाँ, ओके। सो अगर आपका यूके से CS1 क्लियर है, देन यू कैन गेट एग्जेम्पशन फॉर एग्जाम P प्लस VEE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। ये IEI के लिए भी है, CS1 आपका IEI के लिए भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। CB1, अच्छा, P के लिए करता है, ओके, ठीक है। अगर आपका CM1 क्लियर्ड है तो आपका एग्जाम FM एग्जेम्प्टेड है। नाउ कम्स द रियली नाइस पार्ट, अगर आपका CS1 और CM1 दोनों क्लियर है तो आपका एग्जाम FAM भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो आपके अगर दो पेपर क्लियर हैं, दैट इज CS1 एंड CM1, देन आपका एग्जाम P, एग्जाम FM, एग्जाम FAM और VEE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, ये चार चीजें आपके SOA में पहले से कवर हो जाती है, राइट? इफ यू टॉक अबाउट CS2, अगर आपका CS2 क्लियर, नाउ CS2 की प्रॉब्लम क्या है कि अकेले अगर CS1 और CS2 क्लियर हैं तो आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो CS1 का एग्जाम P और VE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका CS1 CM1 क्लियर है तो आपकी चार चीजें एग्जेम्प्ट हो रही हैं। अगर आपका CM1 एंड CS2 आपका एग्जेम्प्ट, अगर आपका साथ में क्लियर है तो आपका एग्जाम ALT AMB क्लियर हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द और मेन एग्जामिनेशंस, राइट? उसके अलावा हम अगर बात करें, CM2 का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है? लेकिन आप अगर CM2 और CS2 है तो आपका AST AM एग्जेम्प्ट होता है, बट देन अगेन जैसा मैंने बताया था कि इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्लियर करना होता है। तो अगर आपका CM1 और CS2 क्लियर हो गया है आपका, तो आपका ALTM एग्जेम्प्टेड है, तो आपको ASTM की वैसे भी रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। कहां पर? तो हाँ, कर दूं मेरे को। राइट, तो दिस इज अ थिंग, CS1 है तो एग्जाम P एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, CM1 है एग्जाम FM, अगर CM1 एंड CS1 है तो ये भी आपका हो जाएगा, दैट इज एग्जाम FAM, CS1 एंड CS2 है तो एग्जाम ALTM भी आपका एग्जेम्प्ट हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, राइट? तो CS1 CS2 में CM2 भी आपको चाहिए होगा, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? उसके बाद हम अगर बात करें एग्जाम SRM की, तो ये एक बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन है जो कि मुश्किल से मिलना है, कि जिसका CS2 भी क्लियर है और जिसने CP2 भी क्लियर है। हो सकता है कोई वर्किंग हो जिसने CP2 क्लियर कर रखा है, उसका CS2 भी पहले से उसका क्लियर है,
तो वो फर्दर एक एग्जाम अपना दैट इज SRM वो उसको भी अपना क्लियर कर सकता है ना। सो दीज आर द बेसिक एग्जामिनेशन। अगेन अगर आपका CB1 और 2 क्लियर है तो आपके ये VE अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आपके ये भी क्लियर हो जाते हैं, आपकी आपकी जो वर्चुअल लर्निंग है इसको भी आपको दोबारा से स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके आगे के जो आपके पेपर्स है वो तो एसोसिएटशिप है और फेलोशिप है, तो इसका तो आपके लेवल पे कोई सेंस नहीं है, है ना। वी ओनली हैव टू फोकस ऑन दीज फ्यू एग्जामिनेशंस, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्स विच आर एग्जेम्प्टेड इन SOA बेस्ड ऑन देयर IFO एग्जामिनेशन। नाउ कोई क्वेरीज कोई डाउट्स है इसके बारे में, देन लेट्स एड्रेस देम। IAI के आपके CB पेपर्स पे हैं, CB1 और 2 के लिए है। तो जब आप CS1 और CM1 आपका हो गया तो एग्जाम पी है आपका वी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स FM और FAM, ये आपके चार चीजें क्लियर, वो तो है ही है। कैसे नहीं इंडिया में रिकॉग्नाइज, व्हेन यू से, देखो ये बहुत ही ना ये बहुत ही एक कॉमन मिसयूज्ड वर्ड है, इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। व्हेन वी से इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है कुछ नहीं है, देन दिस कैन ओनली बी यूज्ड इफ यू आर वर्किंग फॉर कोर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। अब अगर आप लेट्स से आप LIC की बात कर रहे हो तो LIC क्या SOA का वैल्यू देगा? डेफिनेटली नहीं देगा, वो तो IFO को भी नहीं देगा उतनी, वो IAI को ही देगा। LIC, IRDA, IAI ये सब भाई भाई हैं, ठीक है, एक ही है ये बेसिकली, आप समझ लो सिंगल एंटिटी है आपकी, तो वो तो वैसे भी किसी और का भी नहीं है। तो अनलेस आप ये बोलो कि भाई मुझे तो कहीं जॉब ही नहीं करनी, मैं तो कोर इंश्योरेंस कंपनी में ही जाऊंगा, और कोर इंश्योरेंस कंपनी में भी उसमें जिसके प्रोडक्ट्स एक्चुअली इंडिया में सेल होते हैं, तो फिर आप IAI जाओ, आप IFO भी मत जाओ, है ना। दिस विल बी माय रिकमेंडेशन। बट 95% और 90% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो काम कर रही है वो कंसल्टिंग और ऑडिटिंग में काम कर रही है। जो कंसल्टिंग में काम कर रहे हैं उनके क्लाइंट ही आपके US बेस्ड हैं, यूरोप बेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सारी की सारी कंपनीज में आपका क्या है वो रिकॉग्नाइज है, एक्सेंचर हो गई, मर्सर हो गई, तो ये सारी कंपनीज कहाँ की हैं? US बेस्ड आपकी कंपनीज हैं, तो ऑफकोर्स जब उन कंपनीज में आपको जाना है, देखो टास्क आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि हम जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इन कंपनीज में ऑब्वियसली रिकॉग्निशन है क्योंकि वहीं की तो कंपनीज हैं सारी की सारी। डेलॉयट ऑफकोर्स करता है, डेफिनेटली करता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो UK के डिफरेंट होते हैं। IFRS चल रहा है आपका, यहाँ पे आपका GEAP चलता है US वगैरह कंट्रीज में, तो वो स्ट्रगल आती है जब आप वहां पे जाते हो, तो स्पेशली आपको सीखना पड़ता है। अब प्रॉब्लम इसकी कंपनीज कभी नहीं बोल सकती ना, अभी जब तक आप जा रहे हो आप अपने IFO से आप एग्जाम्स क्लियर कर दो, कंपनी नहीं बोलेगी यार तुम मत दो, तुम SOA से पेपर दो, क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर आप बोलो एक्सेंचर हो गया आपका, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स वाज द वर्ड, एक्सीडेंट्स हो गया आपका, जो कैस दैट इज कैजुअलिटी एक्चुअल सोसाइटी विच इज विद स्पेशलाइजेशन इन जनरल इंश्योरेंस ट्रैक या इन कैजुअलिटी प्रॉपर्टी, तो वो स्पेशली उनको प्रमोट करते हैं बिकॉज उनको पता है कि जो हम काम कर रहे हैं हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो आपके US कैनेडा बेस्ड हैं, तो हम IFO के उनको पूरे स्टैंडर्ड सिखा करके जो आपके यूरोपियन बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद वर्किंग लाइफ में तो आपको वो सारे स्टैंडर्ड सिखाने पड़ते ही है ना जब आप काम कर रहे होते हो, क्योंकि जब आप जा रहे हो आप काम करने आपने सिर्फ आपके बुकिश नॉलेज है, रियल लाइफ नॉलेज नहीं है, वो सब कंपनी को आपको ट्रेन करना पड़ता है, तो आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पहले आपको ट्रेन करने पड़ते हैं। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम US मॉड्यूल्स तो ऑब्वियसली बात है कि वो उनका काम क्या है काफी लाइट हो जाता है, तो ऑब्वियसली दे प्रमोट SOA एग्जामिनेशन। बट प्रॉब्लम इसकी क्यों सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप कहाँ से पढ़ोगे, आपको चाहिए आपको ट्यूशन प्रोवाइडर चाहिए, इंडिया में उतनी मार्केट इवॉल्व थी नहीं अभी तक, राइट, तो इसलिए कि आप लोग कभी एग्जाम दोगे नहीं, इसलिए कंपनी ने भी कभी का एंटरटेन करना शुरू नहीं किया। बट नाउ दैट पीपल आर एक्चुअली अपीयरिंग फॉर SOA वो एग्जाम, देन कंपनीज आर वेलकमिंग इट। 2008 में क्या होता था,
उन्होंने उन चीजों को एग्जाम्स में ऐसे इग्नोर करा कि भाई आपके पास क्वालिटी है स्टैटिस्टिक्स की, आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए, रिजल्ट समझ में आने चाहिए, कोडिंग नहीं करानी है आपको। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना जो एग्जाम फॉर्मेट है आईएएस का, दैट इज नॉट द वे कोडर वर्क्स। कोडिंग वाला भी आदमी होता है तो कुछ कोड याद है, बड़ा से बड़ा कोडर को कोड याद करके नहीं बैठता दिमाग में, क्योंकि कोड याद क्या करता है, वो वहां पे जाके रेफर करता है, कोड को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, दैट्स हाउ कोडिंग वर्क्स। हमारी सोसाइटी का एक्सपेक्ट करती है तो रीड करते हैं आप कुछ याद कर लो यार, फिर आप आके उसको रेप्लिकेट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड सो द वे टू टेस्ट और जो मेन चीजें जो लिटरली एक्चुअली के काम आती है उनको हमने एग्जाम में जाकर वो टेस्ट करा। पहले तो एसओए ग्रुप बोर्ड की तरह ही गुजर रहा था अभी तक पिछले 2 साल से, जो लोग सीनियर लेवल पे काम दे रहे कि भाई सीबी वन कॉल बढ़ेगा दो पेपर क्या बन जाता है, and you were expected to learn the concepts of 51 chapters and appear in the exam. That's a humanly possible approach. So, करते हैं सारे पेपर तो क्लियर होते ही हैं, बट कितना पेन और जर्नी में वापस मिलता है। तो लोगों को अगर बोल मिला आपके बारे में पढ़ा हो, वो महीने 3 महीने हो जाता है आपको बीच में लोगों ने पता 1200 फीसेस की 1200 करेंगे तो कितना लगभग 1 लाख रुपये भी लोगों ने अपने जेब से 1 लाख ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो 1 लाख, बोले सीपी वन नहीं देना हमें क्योंकि उनको पता क्या मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा 1.5 लाख का तो सैलरी में, तो वो कह रहे चलो छोड़ो मान लेंगे इंक्रीमेंट नहीं हुआ बट पेपर तो पास होना चाहिए। तो जर्नी छोटी है एज कम्पेयर टू आईओ नेचुरली। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि जो डिस्कस हुई नहीं, जैसे पीओ एफएम का पेपर है, आप जो सी एस एम देखे बैठे ना पेपर देखे बैठे, अभी 2 महीना वेटिंग गेम चल रहा है, पता नहीं क्या होगा पेपर में क्या आएगा, रिजल्ट पास होगा नहीं होगा, दी मोमेंट यू सबमिट योर पेपर यू गेट योर रिजल्ट, आप एग्जाम सेंटर से रिजल्ट लेके निकले के बाद तो अगले 2 महीने बाद फिर एग्जाम है, तो आपको वेट नहीं करना, वो वेटिंग गेम नहीं चलेगी आपके साथ, हम 2 महीने वेट कर रहे हैं फिर देखेंगे ना कि पास हुए या फेल हुए, फिर अगला पेपर तैयार करते हैं। मैं बच्चों का डिलेमा समझता हूँ, अब अप्रैल में पेपर दिया, जुलाई 1 वीक में रिजल्ट आ गया, एक पेपर पिक करना है, मजबूरी भी है पिक करना है, मतलब पीछे हो रहे हैं, और अगर रिजल्ट का वेट करते तो पेपर के लाइक बचते नहीं है कुछ, क्योंकि जुलाई 1 वीक के बाद आप तैयारी करना शुरू करोगे, सितंबर एग्जाम नहीं दे सकते। तो जो मुझे अच्छा लगा, और इनका ना ऐसा शेड्यूल नहीं है कि जैसे अप्रैल और नवंबर 2 बार पेपर होता है, हर एग्जाम अलग अलग टाइम पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एसआर में दे रहा हूँ तो अगले महीने मेन में, ठीक है, काम वाला पेपर जुलाई में है और फिर कोई पेपर है वो अक्टूबर में है फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी प्लानिंग बहुत बेटर हो जाती है। आप बोल रहे कुछ और बता सकते, हर पेपर अलग अलग टाइम पे होता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन वन ईयर, एक साल में आप पेस अपनी बढ़ा, तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं। तो जैसे एसआरएम का है कि टाइपिंग नहीं करता मेरे लिए, राइट, जैसे एसआरएम और पीए का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोर्स का बहुत ज्यादा ओवरलैप है, ठीक है, तो एसआरएम होगा आपका सितंबर में और पीए आपका अक्टूबर में, क्या आपने 70-80% तो आपने पढ़ी रखा है कॉमन है, अगर आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा ब्रशअप करना है तो ये नहीं कि आज एसआरएम है 3 दिन बाद आपका पीए है तो आपको 1.25 महीने का आपको और टाइम मिल गया कि पीए का अगर कुछ स्पेसिफिक पार्ट आपका छूटा हुआ है जो एसआरएम में कवर्ड नहीं था तो आप क्या उसको आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो चीज भी कवर कर सकते हो। और CS2 की बात करूं, CS2 का इस बार का पेपर बहुत ज्यादा इस टाइम पे लाइमलाइट में है, इवन एक्टेड जिसकी आप बुक यूज करते हैं, जो उसका हेड ट्यूटर है ना, जो CS2 और ये सारे मॉड्यूल्स लिखते हैं और पढ़ाते हैं, इवन उनके कमेंट थे कि CS2 में आर के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसके लिए लिटरली आपको कोडिंग का बैकग्राउंड चाहिए था, CS2 बाद में टेस्ट हो रहा है, पहले इनिशियल पार्ट्स में आपको कोडिंग का बैकग्राउंड चाहिए था जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर सको, उसके बाद जाके आप CS2 बाद में स्टार्ट हो रहा था। तो जिनका कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो आपके इनिशियल पार्ट में फंस जाएंगे, जिनका कोडिंग का बैकग्राउंड है उनके उतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। दिस इज द ऑफिशियल फीडबैक ऑफ एक्टेड जिसके आप मॉड्यूल्स यूज करते हैं, आप पेपर दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है अब एक्चुअल अब IFOA के साथ, जब आप किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CS1 CM1 में अभी इतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, दे आर स्टिल ओके, ठीक है, उसके पीछे भी एक थ्योरी है, वो बात की बात है, ठीक है। CS2 CM2 स्पेशली जो बात के पेपर्स हैं आपके, जब आप उन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास रेफरेंस क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, पास पेपर्स हैं, आप पास पेपर्स पिक कर लो, जो भी आपकी वर्क बुक है, हमने आई थिंक 10 साल के लिए हमने 20-25 साल के क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, ठीक है, कि क्या पता पुराने टाइम के क्वेश्चन कोई उठ करके आ जाए, नए टाइप का आ जाए, वो पूरे के पूरे क्या है यूजलेस फील होते जा रहे हैं आपके पास्ट ईयर के पेपर, क्योंकि अब अगर आप रिसेंट ईयर के पेपर्स आप देखोगे और पास्ट ईयर के पेपर देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो मतलब सेम ही चीज है कि नहीं है, राइट। CM2 की बात करें, CM2 पेपर जो आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इनका पेपर है, 44 मार्क्स की थ्योरी आई है, ठीक है,
44 मार्क्स की थ्योरी, जो कि एक कोर मैथमेटिकल पेपर है, जिसके आप मतलब सबसे ज्यादा हायर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हो तो वो आप सीएम टू में ही पढ़ते हो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, स्टोकेस्टिक कैलकुलस हो गया, वो सब आप सीएम टू में पढ़ते हो। उसमें से कुछ टेस्ट ही नहीं हो रहा है जो एक्चुअली उसका क्रक्स हुआ करता था, राइट। मोर देन दैट आप अगर देखोगे उसके बाद पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब सिलेबस बहुत ज्यादा है, इस बार सीएस टू में भी हुआ और सीएम टू में भी हुआ, 5 या 6 टॉपिक से पूरा का पूरा पेपर खत्म हो गया आपका। बाकी जितने टॉपिक्स थे आपने पढ़े आपको पता ही नहीं। अब उसमें से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी थे, लाइक जैसे जब कोई सीएस टू पढ़ता है तो री इंश्योरेंस हो गया, रिस्क मॉडल्स हो गए, ये थोड़े से रिलेटिवली ईजियर टॉपिक्स है, तो वो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। एक क्वेश्चन भी नहीं आए हुए पूछने के लिए, सबसे ज्यादा टाइम सीरीज और मार्को और आपके जो सारे सारे टॉपिक्स हैं उसी के आसपास पूरा का पूरा पेपर आपका घूमता जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उस अब वो चीज टेस्ट नहीं हो रही है। नाउ एवरीवन इज सेइंग कि अगर आपको जिस तरीके से आपको मॉड्यूल्स आप जिस तरीके से पेपर्स हमने टेस्ट कर रहे हो, या तो मॉड्यूल को वैसे अपग्रेड करो, राइट। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं इस चीज को पढ़ाने का, देखो ऐसा होता है, इसका चार्ट ऐसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, मैं थ्योरी में आपको समझाऊं तो आपकी नॉलेज क्या थी, बुक से उतनी लिमिटेड रही। एग्जाम में आ रहा है कि रियल लाइफ सिमुलेशन करके आपको 3-4 चार्ट दे दिए बना करके, अब बोल रहे कि वो प्रॉपर्टीज याद कर करके आप खुद पहचानो, जबकि बुक में कहीं पर भी ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है ही नहीं मटेरियल। तो जो चीज आपने कभी मटेरियल में कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया वो चीज वहां पे आपको देखने को मिल रही है, राइट। देखो दो चीजें हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट आया और क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसलेस है या इस तरह का है जो शायद इस पेपर का टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं कि हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं, IFOA में IEI में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वी एस ट्यूटर्स वेलकम दोस क्वेश्चंस, बिकॉज वी फील लाइक ठीक है इस बार स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी, बट वी अप्रिशिएट दोस क्वेश्चन की बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एंड वी डिस्कस दोस क्वेश्चन, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। फिर एक सिनेरियो आपको ऐसा आता है कि यार ये चीज तो उसने कभी पढ़ी नहीं, इसके बारे में बुक्स में उतना कुछ डिटेल में कुछ है नहीं, आपने एक पैराग्राफ मान लो जैसे हमने मशीन लर्निंग का बताया, मान लेते कि एक बहुत बेसिक 2 या 3 पन्ने का आपका चैप्टर है और मशीन लर्निंग का कोई कोर कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले, जस्ट इमेजिन लाइक दिस कि यार कोई एग्जामिनर है, अगर सपोज आप ही एग्जामिनर है, ठीक है, आप सपोज आप कोडिंग बैकग्राउंड से हैं या किसी और बैकग्राउंड से, आपको बोल दिया जाए हमारे करिकुलम में मशीन लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग, उस पर ना एक क्वेश्चन बना दो बढ़िया सा, आपको थोड़ी पता है कि उनके बुक में कितना क्या है क्या नहीं है, ये IEI में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है हमें कई बार, ठीक है। तो अब जो पेपर का जो पैटर्न आ रहा है और जो बुक में जिस तरह का मटेरियल कवर है उसमें बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है, स्पेशली इन IFOA एग्जाम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब उनको भी प्रॉक्टरिंग है नहीं, सारा कुछ नहीं है, तो उनको क्वेश्चन थोड़े ऐसे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिसमें थोड़ा चीटिंग का स्कोप कम हो जाए। उससे बेटर यह है कि वो प्रॉक्टरिंग कर दें, सबसे बेस्ट है पेन एंड पेपर बेस्ड कर दें, बट देन अगेन कॉस्ट का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इस टाइम मेजर कॉस्ट है, तो वो चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्मेट में चाहते जाएं, बट वो भी उनका भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा। इवन जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी OB है, जो वॉलंटियर जो भी हुआ था CB1 और CB2 का, पेपर में जमीन आसमान का फर्क था। Everyone said, जिन भी स्टूडेंट ने वो वॉलंटियर भरा था, मोस्ट ऑफ देम सेड कि जो पेपर CB1 CB2 का इस टाइम में जो वॉलंटियर OBA टेस्टिंग जो हमसे करवाई थी IFOA ने, हम तो फेल थे उसमें, पक्की बात हम फेल हो जाएंगे, बिकॉज जो MCQ आ रहा है वो MCQ नहीं है, उसमें MCQ भी है, MSQ भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, हर तरह के क्वेश्चन है। अब थिंक अबाउट वन थिंग, यू आर यूज टू प्रैक्टिस एनी सब्जेक्ट फ्रॉम पास्ट पेपर्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पढ़ने के आप हैबिचुअल हो, आप थ्योरी पढ़ो सब कुछ पढ़ते हो, तो आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस मैंने पढ़े, आंसर आता है मुझे किस तरीके से लिखना है। अब आपके पास क्या जो एग्जाम आ रहा है वो फॉर्मेट ही बिल्कुल डिफरेंट है, बोल रहे फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारी चीजें, सुनने में लग रहा है कि ईजी होगा, नहीं है, जब समझोगे ना, क्योंकि आपका माइंड पिछले 4 महीने से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए ट्रेन हुआ है जब आप पढ़ाई कर रहे थे, अब जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसका फॉर्मेट बिल्कुल ही डिफरेंट है, नाउ यू आर नॉट यूज्ड टू इट। IFOA ने अपने लिए एक स्पेसिमेन पेपर बना के डाला हुआ है कि ठीक है आप इसमें से देखना किस तरह क्वेश्चन है, बट जब आप करने बैठोगे समझ ही नहीं आएगा। CB1 में जो लोग पेपर देते हैं उनको समझ ही नहीं आएगा यार पेपर में क्या हुआ, वो बोले CB1 में अगर हमें 70 मार्क्स आएंगे इसमें शायद 30 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है जो पेपर हुआ था। तो IFOA इज नॉट अंडरस्टैंडिंग की जो रिसोर्सेज स्टूडेंट के पास है प्रिपेयर करने के लिए एंड द लेवल ऑफ पेपर दैट IFOA इज नाउ आस्किंग, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो कितने सब्जेक्ट के जो कोर करेक्ट टॉपिक्स हैं वो ही नहीं पूछे जा रहे, राइट। पूरा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पेपर आपका CM2 का है, क्वेश्चन ही नहीं आया है, लग ही नहीं रहा है कि वो फाइनेंशियल पेपर था भी कि नहीं था, कोई आइडिया नहीं है, राइट। मोर एंड मोर नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि चलो ये तो डिस्कशन हो गया कि हाउ यू गाइस कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ SOA और क्या तरीका है अगर आपको ट्रांजिशन लेना है, देन व्हाट इज द ऑप्टिमल वे टू डू इट, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज अ मिक्स ऑफ क्राउड, राइट। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनका फर्स्ट पेपर है, इधर देखिए CS1 और CM1 और बोथ, किसका CN1 क्लियर होगा, किसी का CS1 क्लियर होगा, है ना, मिक्स क्राउड होगा। तो दिस 1 year इज द परफेक्ट टाइम टू प्लान योर ट्रांजिशन स्लोली फ्रॉम IFOA टू SOA। इस एक साल में करंट ईयर में वी कैन प्लान इट ब्यूटिफुली। नाउ लेट्स से हमें जो टारगेट करना है, किसी का अगर फर्स्ट एग्जाम है या किसी का CS1 एंड CM1 में से कोई एक एग्जाम हो रखा है, तो उनके लिए जो कॉमन पाथ है वो यही है कि
कि आपको अपने ये दो पेपर करने हैं, CS1 एंड CM1, अभी जो आपका चल रहा है, जस्ट कंप्लीट CS1 एंड CM1, ठीक है, और ये दो पेपर्स थैंकफुली अभी तक IFOA के प्रकोप से अनटच्ड है, कहीं ना कहीं पर अभी तक इस पे बहुत ज्यादा कलेश नहीं मचा हुआ है, ठीक है। तो अगर CS1 और CM1 की आप अगर बात करोगे तो अगेन आई रिपीट, आपका एग्जाम P, एग्जाम FM, एग्जाम FAM और आपका VEE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये चार चीजें आपकी क्लियर होती हैं, ठीक है। तो अगर आपका CS1 खाली क्लियर है और आप खाली CS1 का एग्जामिनेशन लेंगे तो आपको P और इसका मिल जाएगा, देन CM1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको दो पेपर देने पड़ेंगे, एक होगा FM, एक होगा FAM। FAM में आपका कुछ पार्ट CM1 का, कुछ पार्ट CS2 का भी है, ठीक है, तो वो आपको पेपर अलग से देना पड़ेगा। उससे बेटर कि CM1 दे दिया जाए, विच इज रिलेटिवली इजियर टू क्लियर अभी के हिसाब से। किसी का अगर खाली CM1 क्लियर है तो खाली CM1 के दम पे वो खाली FM की एग्जेम्पशन ले सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो इट्स बेटर कि CS1 कर लिया जाए ताकि P, FM और FAM और VEE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें क्या आपकी क्लियर हो सके। आई थिंक जो मोस्टली क्राउड है वो आपका यही है। अब जिनका CS1 एंड CM1 क्लियर है, राइट, उनमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिन्होंने CS2 अभी तक नहीं दिया है, एक जिन्होंने CS2 दे दिया है, ठीक है, और उनका क्लियर नहीं हुआ है। लेट्स से जिनका क्लियर हो गया उनके सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है, उनका AITMB आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपका CS2 भी क्लियर है तो। दैट्स रियली गुड सिचुएशन। तो दो तरह का सिचुएशन है, एक जिसने CS2 नहीं दिया है, तो व्हाट दीज गाइस कैन डू, दे कैन एक्चुअली ट्राई, अगर आपका मन कर रहा है आप CS2 देने का, डेफिनेटली आप एक बार ट्राई कर सकते हो, एक बार मेहनत करके, अगर CS2 आपका हो जाता है तो आपका AITMB क्या आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट्स वन थिंग। लेट्स से कि आपने अगर CS2 दे दिया है और क्लियर नहीं हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, आप फिर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो इफ यू वांट। अगर आपने नहीं, आपने एक बार या दो बार भी आपने दे दिया और क्लियर नहीं हो रहा फॉर एनी रीजन, देन आई विल से कि डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन CS2, इंस्टेड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SRM एग्जाम, राइट, दैट विल बी अ मच बेटर चॉइस। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लानिंग्स विच यू कैन एक्चुअली अंडरटेक। आप SRM कर सकते हो बिकॉज ये पेपर तो फिर आपको बाद में दोगे जब आप एम्प्लॉयर, जब आप जॉब पे जाओगे या वो सारी चीज आप करोगे, तो आई से कि इसको क्लियर करने के चांसेस एनीवे बहुत हाई हैं, आपने अगर CS2 पढ़ा भी है तो दिस इज द वे विच यू कैन एक्चुअली प्लान योर स्टडीज, राइट। तो आई एम होपिंग कि अगले एक साल में आपके एग्जाम PFM, FAM और कुछ नहीं तो कम से कम SRM या AITM या फिर दोनों, ये तो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो यू विल हैव एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्स इन योर बैग एज कम्पेयर टू 2 or 3 एग्जाम्स ऑफ IFOA। तो जब आप अप्लाई कर सकते हो तो वो चीज आप डेफिनेटली, दैट विल डेफिनेटली लीव सम काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑन योर CV एज वेल, राइट। इस ट्रांजिशन में, इस प्लानिंग में किसी को कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो प्लीज आस्क, राइट। FM और PE आपने कर लिया, ठीक है, तो आपके पास देखो दो तरीके हैं। आपका कॉलेज में कोर्स क्या है? परफेक्ट। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप दो तरीके से प्लान कर सकते हो। जो पहला तरीका है आपका, सबसे पहले कौन से ईयर में आप? सेकंड ईयर में। डू वन थिंग, जो आपका करिकुलम है, DU का जो सिलेबस है एंड जो आपकी प्रीवियस 4 या 3 सेमेस्टर की जो मार्कशीट्स हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स को इनकी जो VEE टीम है आप उनको भेजो, ठीक है, बिकॉज आपको जो कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा VEE मैथ स्टैट। तो आप उनको एक बार भेजो ऑन जस्ट सी कि क्या वो अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। इफ दे अप्रूव इट, देन आपका ये क्लियर हो गया, FM आपका ही, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर FAM एग्जाम सेपरेटली या फिर SRM, दोनों में से आप कर सकते हो। आई थिंक FAM विल बी अ बेटर चॉइस टू स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है, आप इसकी प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर सकते हो, ये पहला ऑप्शन है। लेट्स से इफ फॉर सम रीजन दे डिसअप्रूव इट कि सेकंड ईयर में या वो नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक, जो वहां के ट्यूशन प्रोवाइडर्स है वहां से आप VEE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स करो, दैट विल बी अ कॉस्टली अफेयर। नाउ वी आर इन टॉक्स विद देम कि इस ऑप्शन के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन हम कर सकते हैं, हमारी बात चले, लेट्स होप कि इसका भी जो फैसला है वो जल्दी निकलेगा, एक ऑप्शन ये है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन फिर आपका ये है कि आप यहाँ से CS1 आप क्लियर कर लो, CS1 आप क्लियर करोगे तो आपका जो VEE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है वो एनीवे आपका क्लियर हो जाएगा। बट आई वुड रियली वॉन्ट कि आपका अगर फर्स्ट ऑप्शन में ये चीज़ हो जाए तो बेटर है, क्योंकि जस्ट टू क्लियर दिस वर्चुअल लर्निंग CS1 पूरा मॉड्यूल पढ़ना ऑफकोर्स विल बी अ लिटिल बिट पेनफुल, राइट। सो दैट इज वन थिंग। आपका वी डबल, अच्छा FAM, उसके बारे में विल डिस्कस कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, आप थोड़ा मुश्किल है क्योंकि व्हेन दे कंसीडर VEE कॉर्पोरेट फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, उनके अपने ना कुछ सब्जेक्ट के नेम्स होते हैं। अब वो पक्की बात है कि जो उनके नाम है सब्जेक्ट के, जैसे मान लेते हैं आपका नेशनल फाइनेंस हो गया या नेशनल इकोनॉमिक्स हो गया, जरूरी नहीं कि वो सेम नाम से हम यहाँ पे मॉड्यूल्स पढ़ते हैं। तो इट्स बेटर कि जो सिलेबस है प्लस ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको एक बार भेजी जाए एंड जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या वो इस पे अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। सो दैट्स वन थिंग। Yes, हाँ जी।
आई एफ एस साइड से एक एग्जाम क्लियर आ गया बट सी एस वन से किस तरह से फैमिलियर है तो हम उसको एग्जाम भी देना चाहिए या आपका सी एस वन क्लियर नहीं है बट आप स्टैट से फैमिलियर हैं हाँ तो एग्जाम पे आपको देना चाहिए डेफिनेटली देना चाहिए है ना। हाँ अगर आप भी स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हैं जैसे कि आई हैव एडवाइज्ड हर कि व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन सिंपली ड्रॉप अ मेल अटैचिंग योर सिलेबस ऑफ डीयू प्लस योर ओन ट्रांसक्रिप्ट्स जो आपके मार्कशीट्स हैं आप करो कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं विल आई गेट एग्जेम्पशन फॉर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और नॉट सो दिस इज व्हाट यू कैन डू टू आस्क दैट राइट। सीधे तो 99% चाहते हैं कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है ठीक है तो मर्सर एक्सेंचर सारे यूएस बेस्ड हैं तो कितने में ऐसा होता है कि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो हाँ तो वो आपको कुछ मंथ्स के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं वहां पर तो देन यू गेट एक्सपोजर टू मल्टीपल कंट्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं एंड सर टोटल एक्सपेंडिचर अब पूरा मॉडल का एक्सपेंडिचर लगाना इज इम्पॉसिबल क्योंकि जो आपके खर्चे होंगे ही नहीं आप उसको थोड़ी काउंट करोगे जो सब कंपनी बियर करेगी डेफिनेटली यू विल नॉट काउंट देम है ना। सो तो डेफिनेटली तो अनऑफिशियली बोल सकते हैं काटना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जांपल बी की एग्जाम फीस इज $200 व्हिच कॉस्ट अराउंड 16-17,000 सो इट रिड्यूस फीस हां और जो रिटर्न फीस है दैट इज $250 तो अभी इंडेक्स फूड को $200 देते हैं बट शायद अगले 3-4 महीने बाद वो 50% डिस्काउंट पे वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी $150 We are in talks with them regarding this. And we can say कि जो आपकी जो यूके की एग्जाम कॉस्ट है उसमें फिर आपकी एग्जाम पी और एफएम की एग्जाम प्लस जो ट्यूटरिंग फीस है वो दोनों आपकी यूके की अकेली एग्जाम फी के अंदर ही अंदर पूरी कवर हो जाएगी। आप जाइए वेबसाइट का रेफरेंस बुक डाउनलोड करिए रेफरेंस बुक में इन्होंने बहुत अच्छा बताया है इस बुक का ये सेक्शन पढ़ना है इस चैप्टर का ये सेक्शन पढ़ लीजिए इन सी में चैप्टर पेज नंबर या तो कोई मटेरियल नहीं है आपको नॉलेज के मतलब नहीं पेपर है हां इसी को पेपर है पेपर का सिलेबस ऑब्जेक्टिव है और बता दिया गया ये बुक खोल लीजिए इस बुक का ये सेक्शन यहां से यहां तक पढ़ते ही यहां से जॉब में आप जब पेपर को तो जॉब वाले लोग आपको कंपनी आते पैसे वो बताएंगे या कंपनी को स्पॉन्सर करती है तो थोड़ी और एडवांस पॉलिसीज हो गई है कुछ कंपनीज पे पहले ऐसा हुआ करता था कि आपको पेपर पास करना है पास करने के बाद आपको वो रिवर्स करते हैं अब कंपनीज है पॉलिसी पर जो काफी कंपनीज है करते हैं कि आपको दो बार को स्पॉन्सर करना चाहिए मतलब आपने फॉर एग्जांपल अभी सीएस1 दिया आप सीएस1 दिया तो भी आपको उनको भी खर्चा मिल गया इस बार सीएस दोबारा दिया फिर फेल हो गया तो भी खर्चा मिल गया आप डेफिनेटली पी के लिए ट्राई कर सकते हो आप एक काम करो आप सीएस1 पढ़ चुके थे ना तो डेफिनेटली आप एक काम करो रीसेंट ईयर का जो पी का आपका एग्जाम जो मतलब पी के एग्जाम आउट नहीं होते बट पी के क्या है कुछ पुराने टाइम की मॉड्यूल्स आपको बुक्स ना फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी ठीक है तो आप जो उनके पास के क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार करने का ट्राई करो वो खुद ही आपको आइडिया लगे वो लग जाएगा कि कितना सही एग्जाम है आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कुछ से थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करके आप डेफिनेटली यू कैन जस्ट एग्जाम हाँ पी आप शुरू कर लो एफएम तो आप सीएम1 किया हुआ आपने नहीं नहीं तो खाली पी होगा आपका सीएम1 में पी का कोई रोल नहीं है सीएसएम का कोई रोल नहीं है राइट। Also one thing I would like to mention ये मैंने जरा मेंशन करी तो उसका कोई भी पेपर क्लियर है बी रोजर्स आई एफ का वो अरे वो टेलीग्राम पे भेज देंगे ना बी रोजर्स हां एंड मोर वन मोर थिंग इज कि IFOA के एग्जेम्पशन लेने में यूएस में कोई फीस नहीं है जैसे आप अगर यूके में आप अगर एग्जाम फीस पे ऐसे में फ्री ऑफ कॉस्ट है जस्ट आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है आपको बताना है कि आपके कौन कौन से पेपर क्लियर है मान लो आपने सी एस वन लिख दिया सी एम वन लिख दिया आपको अपनी मार्कशीट्स को अटैच करना है एक सर्टेन ईमेल आईडी वो हम आपको बताई देंगे आपको उनको मेल करना है उनकी क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं आपकी नेक्स्ट अभी जून में आपकी आने वाली है तो जून में दिल क्रिएट योर अकाउंट एंड वहाँ पर आपको क्या एग्जेम्पशन आपको मिल जाएंगे विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी अगर आपको IEI के पेपर एग्जाम कराने शुरुआत के देन देयर इज अ वन टाइम पेमेंट ऑफ $100 ठीक है वो पर सब्जेक्ट नहीं है वो आपकी वन टाइम पेमेंट है ठीक है एंड फॉर IFOA इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बट वुड इट बी बेटर दैट वो तो हम CS1 दे या फिर जो PF अभी आपको CS1 देना पड़ रहा है वो मैथ्स स्टैट्स वाला तो BEE है ना वो प्रॉब्लमेटिक वो थोड़ा ट्रिकी है जैसे जो स्टैट्स वाला उस कर रहा है शायद उसको मिल जाए अगर वो नहीं मिला तो पहले BEE के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज बता रहा हूं
अभी जो भी इनिशियल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बताया कि उनके लिए जो अभी करंट जो 1 ईयर का प्लान है दैट इज गिव योर CS1 एंड CM1 दीज आर स्टिल डूएबल फ्रॉम IFUA. इसका रिजल्ट अच्छा है. CS1 का पेपर भी इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था, CM1 का पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था, तो इसमें अभी तक उतनी प्रॉब्लम नहीं है एज कम्पेयर टू दी लेटर पेपर्स लाइक CS2 एंड CM2. तो जस्ट कंप्लीट CS1 एंड CM1 फॉर नाउ, ताकि आपको 4 पेपर्स का आपको मिल सके, बेसिकली 3 पेपर्स का प्लस एक VEE का. प्रॉब्लम ये है कि VEE का सबके लिए भी क्लियर नहीं है. जो स्टैट्स ऑनर्स के शायद दे कैन गेट वेवर फॉर दैट. आपने BCom किया है, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, तो VEE आपको मैथमेटिकल स्टैटिस अभी मिलेगा नहीं. हम उससे डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन कॉम्प्रीहेंडेड एंड हाउ वी कैन रेप्लीकेट एंड रेक्टिफाइड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, बट अभी तक नहीं है. तो फिर आप फंस जाओगे, पता लगे आपको फॉर नो रीजन आपको VEE मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स सेपरेटली पढ़ रहा है किसी UK के ट्यूशन सेंटर का जहाँ की फीस ही $400 हो, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है, राइट? तो उस चीज के लिए हम रेक्टिफाई कर रहे हैं ताकि वो चीज के इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हम उसको इंपैनलमेंट इजीली करवा सकें. तो अभी के लिए जो करंट ईयर है बेस्ट सिनेरियो इज CS1 एंड CM1, ताकि उसके बेसिस पर यू कैन अवेल योर एग्जेम्पशन. जो लेटर पेपर्स हैं उसके लिए डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट अप्रोचिंग SOA एंड यू कैन स्किप IFUA एज ऑफ नाउ. वो आपकी बात की बात है. बट करंट प्लान इज जिसका CS1 CM1 दोनों में से कोई एक भी बचा हुआ है उसको आप वो क्लियर करो, एंड दैट विल बी द बेस्ट वे टू परस्यू योर फेलोशिप ट्रैक फ्रॉम SOA. 13 6 एसोसिएटशिप के हैं, हाँ थोड़े मॉड्यूल्स हैं, उसके बाद फेलोशिप के, उसमें भी आपके SOA के 3 एग्जाम्स हैं, जैसे डिपेंडिंग ऑन किस ट्रैक पे आप जा रहे हो, जनरल लाइफ, उसके अलावा 3-4 मॉड्यूल्स होते हैं आपके अलग से, और IFUA के एग्जाम्स होते हैं मेनली, और वो पूरे पूरे आपके 13 एग्जाम्स होते हैं. एग्जाम वाइज तब भी कम है, बाकी तो मॉड्यूल्स है ना. आप 6 पेपर में एसोसिएट बन रहे हो, आप जब एग्जाम दे रहे हो, बाकी तो ई लर्निंग मॉड्यूल्स हैं आपके, कोई इसमें इशू ही नहीं है. सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, राइट? और कोई क्वेरी किसी के मन में, और कोई डाउट अबाउट SOA? सो दीज आर इंक्लूडेड इन द 6th FA एंड हां एग्जैक्टली. तो उसमें 3 एग्जाम होगा कि PFM और FAM, उसके अलावा 3 एग्जाम आपके और हैं, SRM, ALTA मान लेते हैं, और एक आपका PA हो गया, एग्जाम PA. हाँ जी. राइट, म्यूचुअल रिकॉग्निशन खत्म है हर जगह. अगर आप ASA बन गए हो तो आपको IFUA की तरफ देखना भी क्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जब आप फेलो बन जाते हो किसी आप सोसाइटी से, आप वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आपको क्या सोसाइटीज में जंप नहीं करना पड़ता. पहले था कि इंडिया UK में रिकॉग्निशन था फेलोशिप का, है ना, US में था कि आप अगर FSA हैं तो FIA भी हैं, FIA हैं तो FIAI भी हैं, बट वो करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, IAA के साथ आएगा बिकॉज उनके करिकुलम थोड़ा सा अलाइन हो रहा है SOA के साथ, एंड दे आर इन टॉक्स विद देम. IFUA थोड़ा अपना ही एक अलग ही चल रहा है, वो अपनी एक अलग ही मोनोपोली चल रही है उसकी, कुछ ना कुछ डिफेंड करने चाह रहे हैं. जब 2019 में when syllabus was changed, IAI was not in favor of changing the syllabus. वो करिकुलम चेंज नहीं करना चाह रहा था, बट सो करना पड़ा बिकॉज मॉड्यूल्स नहीं थे. तब से IAI की भी ईगो हर्ट है, तो वो भी अपने मॉड्यूल्स डिवाइड कर रहा है खुद से. देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अगले 1 या 1.5 साल के अंदर IAI का अपने खुद का करिकुलम आ जाएगा. उसने पहले 1-1.5 साल पहले अपने करिकुलम डाला हुआ था सारा कुछ. इसमें कहीं नहीं है, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग. द प्रॉब्लम इज आई टेल यू व्हाई. जो आर वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि इट इज मच बेटर टू लर्न प्रिडिक्टिव स्किल्स ऑन अ केस स्टडी इंस्टेड ऑफ जस्ट अप्लाइंग द सेम क्वेश्चन ऑफ पेपर ए ऑन पेपर बी. अभी CS1 CS2 में क्या है, आप वही पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी गामा सिमुलेशन आप सीख रहे हो, वही जो आप थ्योरी में क्वेश्चन कर रहे हो वही आपको क्या आर में करना पड़ रहा है. उससे बेटर है यार कि कोई रियल लाइफ में कोई केस स्टडी दे दो ना, जिसमें रियल एनालिटिक्स में यूज कर सकूं. तो वो आपका ATPA मॉड्यूल्स और इन सब में आपका टेस्ट होता है, एंड दिस गिव्स यू फ्रीडम ऑफ लर्निंग MS Excel इन योर ओन वे. जैसे प्रॉब्लम क्या है, जब आप CM1 और CM2 में जब आप पढ़ते हो एक्सेल, तो कहीं ना कहीं यू गेट एन आइडिया कि आपको आपको एक इंप्रेशन मिलता है कि आपने शायद एक्सेल सीख लिया या वो चीज आपको कर लिया, बट अल्टीमेटली आप वही सेम क्वेश्चन क्या उस पर रेप्लीकेट कर रहे हो जो कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन है. वेर एज इफ आई टेल यू कि आपको MS Excel खुद से सीखने की फ्रीडम है, देन आई ऑलवेज से कि इवन इफ यू हैव स्टडीड CM पेपर्स, देर आर सेवरल वीडियोज ऑन एनालिटिक्स ऑन यूट्यूब, जिसमें आपके सेल्स के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, बैंकिंग के मिलेंगे, जो एक्सेल के ऊपर बेस्ड है. आप उनको करो, गेट yourself familiar working with real life data, because वो है real learning on MS Excel और any statistical tool और any software tool. आपसे क्वेश्चन करना अगर उस पर सीखोगे तो आपकी लर्निंग बहुत लिमिटेड है, बट जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जब आप काम करोगे तो वो एक्चुअली रियल लर्निंग है. तो एक्सेल में खुद ब खुद आप सीख सकते हो, एंड आर के लिए दे हैव मॉड्यूल्स लाइक ATPA एंड PA, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं. तो उस वे में भी लर्निंग बहुत बेटर है. अननेसेसरी कोडिंग वाला पार्ट नहीं, जैसे मैंने कहा ना, इस बार का पेपर था उसमें कोडर चाहिए था. जो पहले इनिशियल पार्ट्स में जब आप कोडिंग करके ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस आप क्रिएट नहीं कर पाए तो बाकी के पार्ट्स में यूज ही नहीं कर पाओगे,
है ना। और ये हम भी नहीं बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं जो एक्चुअली खुद बुक लिखते हैं IFOA के बिहाफ में कि इस बार का पेपर ऐसा आया था, राइट। वो खुद ही मीम शेयर कर रहा है रेडिट पे क्या कर रहे हैं कि CS2 का एग्जाम इस बार ऐसा था, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही है आपके, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट, राइट। और कोई क्वेरी अबाउट SOA? हाँ, मॉड्यूल्स की फीस होती है, ऑफकोर्स वो एग्जाम फीस ही है उसके तरीके से। तो मॉड्यूल जो है आपके स्टार्टिंग में जब आप अपने कॉलेज डेज में, तो यू टारगेट मॉड्यूल्स लाइक ये अगर आपको करने ही हैं तो, अदरवाइज आपको पता है इंडियन माइंडसेट क्या है कि ये इजी चीज है, ठीक है, तो इसको इस पर खर्चा क्यों करें, वो बाद में कर लेंगे, जो डिफिकल्ट एग्जाम्स है उस पर पहले फोकस करते हैं, एंड दैट इज रीजनेबल ऑल्सो, ठीक है। तो जब हम, हाँ ऑब्वियसली बात है, ठीक है, तो जब हम लोग की मीटिंग थी SOA से, तो देवर ऑल्सो सेइंग, हमने कहा था कि यार अगर 3-4 एग्जाम क्लियर हो जाएंगे तब क्या करेंगे सारे डिस्कशन, तो बोल रहे थे कि नहीं हमारे जो ब्राइट माइंड्स हैं वो भी 2-3 ही पेपर क्लियर करते हैं इंडियन कॉलेज डेज। मैंने कहा इंडिया का सिस्टम बहुत उल्टा है, उनको लग रहा है कि जैसे वहां पे वो लोग पढ़ रहे हैं इनिशियल एग्जाम उसके बाद इनिशियल मॉड्यूल्स, हमने कहा हमारे मॉड्यूल्स की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, सबका फोकस रहेगा एग्जाम क्लियर करने में। ये मॉड्यूल्स क्या वीकेंड पर पढ़ के खुद को खत्म करना है, कोई क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट करेगा कॉलेज टाइम, एग्जाम निकाले ना, जब पढ़ने का पूरा फ्लो बना हुआ है कॉलेज में तो ऑब्वियसली आई फोकस ऑन एग्जाम्स, वहां पे पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। तो वहां का कल्चर क्या है कि जब वो जॉब के लिए जा रहे हैं तो एट मैक्स आप 2 या 3 पेपर आप उनके क्लियर देते हो एग्जाम्स, ठीक है, यहाँ पर वो 4 या 5 भी हो जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो ई लर्निंग मॉड्यूल्स और बहुत ईजी गोइंग में जाते हैं वो एग्जाम। पी और FM के मैंने ऐसे भी देखे जब पेपर बहुत सिंपल थे या क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें भी लोगों के कमेंट रहते हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था पी और FM, क्योंकि वहां की जो लर्निंग है और वहां की जो मैथमेटिक्स है वो बहुत डिफरेंट है। तो अगर वहां पर रिजल्ट अभी 55-60% आ रहा है, लेट्स से एक बार इंडियंस को घुसने दो ना, ये 80% से कम मत बताना। इंडियंस गए हम लोग की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और जिस तरीके से हम लोग जैसे जो ट्यूटरिंग हम करते हैं, आप देखोगे जैसे आप अगर किसी फॉरेन ट्यूटर से आप अगर पढ़ रहे हो सेम सब्जेक्ट, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप बोर होकर वीडियो बंद कर दोगे, ठीक है, वो स्लाइड चल रही है आपकी, वो रीड आउट कर रहा है, पढ़ा अच्छा रहा है वो। अब वो है कि हम लोग फिर भी कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास पेशेंस है, हम लोग के पास बैकग्राउंड है, इंडिया में वो कल्चर नहीं है, इंडिया में वो कल्चर ही नहीं, इंडिया में भी से कि हमें नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ाना है, आप पहले घर से रीड करके आओ फिर हम देखेंगे क्या पढ़ाना है, मतलब ही नहीं हुआ। तो दैट इज द वे। सो जिसके अगर एक पेपर भी क्लियर है या दो पेपर भी क्लियर है तो डेफिनेटली सर ईमेल आईडी शेयर कर देंगे आप, ब्रेट रॉजर्स नाम है उनका, तो आप उनको मेल करना और आप उनसे वो आपको एक फॉर्म सेंड करेंगे, आप उनमें अपने जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आप मेल करके आप उनको सेंड करो, एटलीस्ट आपका अकाउंट बन जाएगा एंड यू हैव 2-3 एग्जाम्स ऑन योर SOA क्रेडिट अकाउंट, राइट। उसके बाद फर्दर एग्जाम जब भी करने हम कर सकते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी कॉस्ट आपकी लग नहीं रही है, सो दैट इज वॉट वी कैन डू फॉर नाउ, ठीक है। चलो आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेट्स फिनिश दिस। और कोई क्वेरी? ठीक है, देन लेट्स रैप दिस अप।